सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का शिवलिंग चुरा के ले गए। अब कहां पहुंच गए हम? इंडिया। माना जाता है कि क्रॉप सर्कल एलियंस के आने की निशानी है, इसीलिए तो शिव ने तुम्हें यहाँ भेजा है। से नए चेहरे जुड़े हैं फिल्म से। क्या रोल है जेनिफर का राम सेतु फिल्म में? आखिर कौन है ये जेनिफर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो की जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म राम सेतु के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। राम सेतु अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है और इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरोचा और सत्यदेव कंजरन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देने वाली। बता दें कि फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है। और अगर बात करें फिल्म के कास्ट की तो अक्षय कुमार हमें दिखेंगे फिल्म के लीड एक्टर के तौर में और अक्षय निभाएंगे राम कुमार का किरदार जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो चल पड़ता है राम सेतु के एक अलग ही खोज में। अब वो इस खोज में कामयाब हो पाता है या नहीं ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलने वाला है। आपको बता दें कि इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं और सूत्रों से पता चला है कि जैकलिन निभाएंगी इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट का रोल। वैसे खबरें तो ये भी आ रही थी कि फिल्म में हमें नुसरत भरोचा भी दिखाई देने वाली है और सूत्रों से ये भी पता चला है कि नुसरत भरोचा प्ले करेंगी गामिनी का किरदार जो कि होगी राम की बेटी। इस कास्ट में नए चेहरे के तौर पे दिखाई देने वाली हैं जेनिफर पिकिनाटो। जेनिफर पिकिनाटो का जन्म 17 अक्टूबर को हुआ था और जेनिफर एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस और मॉडल है जो कई ब्रांडों के एडवर्टाइजमेंट, फैशन कैंपेन्स, म्यूजिक वीडियोस और वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है। और जेनिफर बेसिकली ब्राजील की रहने वाली है और वो एक दशक से दुनिया भर के कई देशों में असाइनमेंट्स पर काम कर चुकी है और उन्होंने न्यूयॉर्क शहर से बोरो ग्रुप एक्टिंग स्कूल से एक प्रमुख थिएटर कंपनी में एक्टिंग सीखी थी और जेनिफर ने मुंबई की जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो के अभिनेताओं के ग्रुप में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने सैफ अली खान के साथ गौरव चावला द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म बाजार में काम किया था और तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दो वेब सीरीज प्रोजेक्ट में सीन में एक नायक की भूमिका नीना और जी फाइव के एक्सपायरी डेट में मोनिका की भूमिका निभाई। साथ ही में उन्होंने मुंबई के थिएटर में भी काम किया और जेनिफर ने ऑड कपल, थ्री सिस्टर्स जैसे प्ले में भी काम किया है। और जेनिफर कौन सा किरदार निभाएगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। पर आपको क्या लगता है जेनिफर के रोल के बारे में हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। कौन करेगा एक्ट्रेस का मेकओवर? आखिर कब रिलीज होगी फिल्म? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
राम सेतु मूवी एक हिस्टोरिकल मूवी है जो इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा स्पेशल है। वैसे तो इससे पहले भी डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने काफी मूवीज डायरेक्ट की हैं, लेकिन ये मूवी इन मूवीज से काफी हटके है। ये मूवी ज्यादातर यूनिक होने वाली है और उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर रीमेक मूवीज ही देखने को मिलती हैं। ऐसे में ऑडियंस को ओरिजिनल स्टोरी का इंतजार रहता है और राम सेतु मूवी की स्टोरी ओरिजिनली रिटन है। इसके अलावा ऑडियंस आजकल हिस्टोरिकल मूवीज देखना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उससे हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो जानना शायद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। राम सेतु मूवी में हमें अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत बरूचा देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में हमें इन तीनों का ही एक काफी अलग रोल देखने को मिलेगा, जिसको शायद ऑडियंस ने कभी देखा भी नहीं हो। बात करें इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर की, तो राम सेतु के लिए मेकर्स ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर चुने हैं। खबरों की माने तो इस बार एक्ट्रेस को काफी डिफरेंट और नया लुक देने के लिए मेकर्स ने छवि ठाकुर को लिया है। इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में हुई है और उसी के हिसाब से इसका गेटअप भी रखा जाएगा, और इस मूवी की शूटिंग इंडिया के और भी कई जगह पर हुई है, जिसके हिसाब से एक्टर्स को उनका लुक दिया जाएगा। छवि एक काफी टैलेंटेड कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। उन्होंने केवल बॉलीवुड में नहीं बल्कि कॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है और लोगों को इनका काम काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी कारण से राम सेतु मूवी के फिल्म मेकर्स ने छवि को लिया है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि छवि अपने तरफ से एक्ट्रेस को काफी अच्छा लुक देने वाली है और ऑडियंस को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। राम सेतु मूवी की जब से अनाउंसमेंट हुई है, तब से ऑडियंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। राम सेतु मूवी में हमें एक ऐसी कहानी बताई जाएगी जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता होगा। इस मूवी का कनेक्शन राम सेतु ब्रिज से है और ये एक ऐसी मूवी है जो असल कहानी पर आधारित है। तभी इस फिल्म की अनाउंसमेंट से ही इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। वेल, बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो मेकर्स ने इस मूवी को 24 अक्टूबर 2022 में रिलीज करने का सोचा है। वेल, इस मूवी की डेट्स कई बार चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़ा नाराज भी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो और ये मूवी जल्दी रिलीज हो। वी विश दैट मे दिस मूवी बी सुपर हिट एज अक्षय ऑल हिट मूवीज। इसी के साथ अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। जाते जाते कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताते जाइए कि आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। धन्यवाद। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का कौन से नए चेहरे जुड़े हैं फिल्म से? क्या रोल है जेनिफर का राम सेतु फिल्म में? आखिर कौन है ये जेनिफर? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म राम सेतु के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। राम सेतु अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है और इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव कंजरन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है और अगर बात करें फिल्म के कास्ट की, तो अक्षय कुमार हमें दिखेंगे फिल्म के लीड एक्टर के तौर में और अक्षय निभाएंगे राम कुमार का किरदार जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो चल पड़ता है राम सेतु के एक अलग ही खोज में। अब वो इस खोज में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलने वाला है। आपको बता दें कि इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं और सूत्रों से पता चला है कि जैकलिन निभाएंगी इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट का रोल। वैसे खबरें तो ये भी आ रही थी कि फिल्म में
हमें नुसरत भरूचा भी दिखाई देने वाले हैं और सूत्रों से ये भी पता चला है कि नुसरत भरूचा प्ले करेंगी गामिनी का किरदार जो कि होगी राम की बेटी। इस कास्ट में नए चेहरे के तौर पे दिखाई देने वाली हैं जेनिफर पिकिनाटो। जेनिफर पिकिनाटो का जन्म 17 अक्टूबर को हुआ था और जेनिफर एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस और मॉडल है जो कई ब्रांडों के एडवर्टाइजमेंट, फैशन कैंपेन्स, म्यूजिक वीडियोस और वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है। और जेनिफर बेसिकली ब्राजील की रहने वाली हैं और वो एक दशक से दुनिया भर के कई देशों में असाइनमेंट्स पर काम कर चुकी हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क शहर से बोरो ग्रुप एक्टिंग स्कूल से एक प्रमुख थिएटर कंपनी में एक्टिंग सीखी थी और जेनिफर ने मुंबई के जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो के अभिनेताओं के ग्रुप में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने सैफ अली खान के साथ गौरव चावला द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म बाजार में काम किया था और तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दो वेब सीरीज प्रोजेक्ट में सीन में एक नायक की भूमिका नीना और Z5 के एक्सपायरी डेट में मोनिका की भूमिका निभाई। साथ ही में उन्होंने मुंबई के थिएटर में भी काम किया है और जेनिफर ने ऑड कपल, थ्री सिस्टर्स जैसे प्ले में भी काम किया है और जेनिफर कौन सा किरदार निभाएंगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। पर आपको क्या लगता है जेनिफर के रोल के बारे में हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। कितनी फीस डिमांड कर रही हैं नुसरत, कैसा होगा जैकलीन का रोल? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। राम सेतु एक हिस्टोरिकल मूवी है जो इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। वैसे तो इससे पहले भी डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने काफ़ी मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, लेकिन ये मूवी इन मूवीज से काफ़ी हटके है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है और उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर रीमेक मूवीज ही देखने को मिलती हैं। ऐसे में ऑडियंस को ओरिजिनल स्टोरी का इंतजार रहता है और राम सेतु मूवी की स्टोरी ओरिजिनली रिटन है। इसके अलावा ऑडियंस आजकल हिस्टोरिकल मूवीज देखना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उससे हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता रहता है और ये जानना शायद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। राम सेतु मूवी में हमें कई टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में अक्षय कुमार, नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस मेन रोल करते दिखाई देंगे। अक्षय और जैकलिन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, ये दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। बात करें नुसरत भरूचा की तो उन्हें बॉलीवुड में काम करते हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर भी कम टाइम में काफी सारी मूवीज करके बहुत नाम कमा लिया है। अब इनकी फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं है, ये भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। अब ऑडियंस काफी खुश हैं कि बॉलीवुड को इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हुए देख पाएंगे, क्योंकि अब जब ये तीनों एक्टर एक साथ फिल्म में काम करने वाले हैं तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें फिल्म में कुछ अनोखा और अलग देखने को मिलने वाला है। वेल, ये तो हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगा। राम सेतु एक हिस्टोरिकल मूवी है जिसमें एक्ट्रेस की भी काफी ज्यादा मेहनत लगी है। बात करें नुसरत भरूचा की फीस की तो खबर ये है कि इस बार नुसरत की डिमांड काफी ज्यादा है। वैसे तो नुसरत अपनी एक मूवी के लिए 50 से 60 लाख चार्ज करती है, लेकिन इस बार राम सेतु के लिए उन्होंने 70 से 80 लाख चार्ज किए हैं। वेल, हमें पूरी उम्मीद है नुसरत का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होने वाला है। राम सेतु मूवी में हमें जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलने वाली है। जैकलिन जल्दी किसी हिस्टोरिकल टाइप मूवी में देखने को नहीं मिलती है और अब जब ये काफी टाइम बाद ऐसी कोई मूवी करने जा रही है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मूवी में जैकलिन हमें किस रोल में देखने को मिलने वाली है।
खबरों की माने तो इस मूवी में जैकलीन का रोल काफी अलग होने वाला है। वो फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट लीड में दिखने वाली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को इनका रोल पसंद आए और ये ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाए। वी विश दैट मे दिस मूवी बी सुपर हिट एज अक्षय ऑल हिट मूवीज। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ पॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्या इंटरनेशनली लोग होंगे एक्साइटेड? इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस देंगे इस बार अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म आ रही है जिसका नाम है राम सेतु। अब ये फिल्म अभिषेक शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई है जो हमें इस ही साल दिवाली पर नजर आने वाली है। और तो दिवाली के टाइम पर रिलीज होने का एकदम परफेक्ट मौका है क्योंकि फिल्म का नाम और साथ में दिवाली का महोत्सव एकदम जुड़ा हुआ है। अब ये फिल्म में साउथ के भी स्टार्स नजर आने वाले हैं और एकदम डिफरेंट होने वाली है दूसरी फिल्मों से ये। तो दोस्तों, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारिया। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब अक्षय को इंडस्ट्री का खिलाड़ी माना जाता है और ऐसे ही नहीं मिला है उनको ये टैग। देखा जाए तो उनका स्ट्रगल भी काफी था, आज भी दिखता नजर आ रहा है। पहले तो वो ट्रोल हुए थे कि वो इंडियन नेशनलिटी के नहीं है और अब ट्रोल होते हैं कि वो कोई भी टाइप की फिल्में करते हैं। बट स्टिल हजार स्क्रिप्ट्स और फिल्में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाइन में पड़े हैं उनके लिए। अब इस साल तो अलग अलग अवतार में नजर आएंगे ही और उसमें से एक है आर्कियोलॉजिस्ट का रोल, जिसके लिए लोग थोड़े कम एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है, ये फिल्म इंटरनेशनल रिलीज होने के वर्थ है? अब इंटरनेशनली फिल्म रिलीज होगी तो और भी अच्छा है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि लोगों को पता तो चलेगा कि इंडियन हेरिटेज जगहों के बारे में और उसका क्या इम्पोर्टेंस है आज के जमाने में, और तो लोग जो राम भगवान को मानते हैं उनके लिए। ऐसे तो अक्षय की मूवीज वर्ल्ड वाइड रिलीज होना वर्थ ही लगता है, भले हॉलीवुड के पास बिग इक्विपमेंट हो या अलग अलग स्टाइल हो, बट वो जरूर देंगे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार, और ये तो हर बार वो प्रूफ ही करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इंडिया में कुछ लोग ने ट्रोल करना स्टार्ट किया है तो सभी लोग नफरत करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है एक्साइटेड और ये दावा है कि इंटरनेशनली भी ये फिल्म रिलीज होगी तो लोग उतने ही उत्सुक होंगे और हिट भी जाएगी। अब ऐसे तो सरप्राइजेस बहुत रखे हैं फिल्म में कि क्या क्या होगा, कैसे मॉडर्न टच दिया है और भी बहुत। बट आज अक्षय को देखते हैं तो लगता है उनका स्ट्रगल एकदम कामयाब हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जो भी इस हादसे को देखेगा वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईश्वर, अगर आप सच में हैं तो उसे जिंदा रखना। इस धरती पर होने वाली हर घटना का साक्ष्य केवल दृष्टि ही नहीं बल्कि सृष्टि भी है। कौन मार रहा है मरने वाले को पता नहीं होता है, क्यों मार रहा है मारने वाले को भी पता नहीं होता है। कौन करेगा फिल्म का मार्गदर्शन? क्या राम सेतु बना पाएगी ऑडियंस के बीच अपना ब्रिज? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशा। दोस्तों, 2022 दिवाली के पावन शुभ अवसर पर हमको प्रभु श्री राम से जुड़ी एक कहानी पर्दे पर दिखाई देने वाली है, जिसमें हमें मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे अक्षय कुमार। फिल्म का नाम अब आप समझ ही चुके होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ राम सेतु की।
फिल्म के बीते दिन हमें पोस्टर भी देखने को मिला जिसमें कई चीजें नोटिस करने वाली थी। कुछ को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, पर हम आज बात करेंगे फिल्म के प्रोडक्शन की। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि फिल्म में प्रोड्यूसर की जगह हमें हरिओम एंटरटेनमेंट दिखाई दिया, जो कि अक्षय कुमार का ही प्रोडक्शन हाउस है। जिसका मतलब अक्षय फिल्म में हमें एक्टिंग ही नहीं बल्कि पैसा लगाते हुए भी दिखाई देंगे। पर कहते हैं ना, जब इंसान का खुद का पैसा होता है तो उसको कदर ज्यादा होती है। ऐसे में हमें फिल्म भी टाइम पर देखने को मिल सकती है और फिल्म में कहानी भी जबरदस्त दिखाई देने को मिल सकती है। वैसे भी फिल्म का टाइटल ही काफी इंटरेस्टिंग और कैची है, जिसको देखने के बाद आई होप पूरा हिंदुस्तान फिल्म को लेके एक्साइटेड होगा, क्योंकि हिंदू कल्चर के अंदर प्रभु श्री राम सबके फेवरेट माने जाते हैं और उनकी किस्से कहानी तो आप हर साल रामलीला में देखते ही होंगे। और उसी किस्से कहानी में एक किस्से के ऊपर हमें फिल्म में पूरी चर्चा देखने को मिलेंगे। वैसे ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि बॉलीवुड जब भी हिस्ट्री में अपना डायरेक्शन घुसाता है तो उसमें कुछ ज्यादा ही मसाला देखने को मिलता है। दोस्तों, पर इस फिल्म से आप इससे निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि फिल्म का मार्गदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश, जो इससे पहले चाणक्य जैसी धारावाहिक कहानियां भी हमको दिखा चुके हैं। और उनके मार्गदर्शन का मतलब फिल्म में हमें हिस्ट्री से ज्यादा छेड़छाड़ देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही श्री राम की कहानी किस्से तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, कैसे उन्होंने 14 साल वनवास झेला और बुराई पर अच्छाई की जीत का एग्जाम्पल, पर उन्होंने इन सबको करने में जो स्टेप लिए वो भी काफी हिस्टोरिकल माने जाते हैं। और उन्हीं हिस्टोरिकल इवेंट में से एक था राम सेतु ब्रिज, जो इंडिया को लंका से जोड़ता था। इस मुद्दे पर हमको कई न्यूज देखने को मिली, कई बहस भी टीवी पर चली, पर जो भी सच है या झूठ है अब हमें आने वाली फिल्म राम सेतु में खुल के दिखाई दे सकता है। और इसके आने से जो ऑडियंस इस कहानी को और ढंग से जानना चाहती थी वो उसके माध्यम से देखकर जान पाएगी। वैसे भी जैसे शुरुआत में ही बताया है, हम सब ने श्री राम की कहानी बचपन से ही सुनी है, ऐसे में उन्हीं के किस्सों पर फिल्म बनना अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड भरा है ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि राम सेतु दर्शकों के दिल तक ब्रिज बना सकती है, क्योंकि मेकर्स ने टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग और लोगों से जुड़ा हुआ चुना है कि लोग इसको बिना देखे रह नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है कि फिल्म के आने से होंगे कई खुलासे या बॉलीवुड डालेगा अपना मिर्च मसाला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहाँ होगी फिल्म के सॉन्ग्स की शूटिंग, क्यों यूज करना पड़ा हाईवे एफएक्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉडकास्ट स्टूडियोज में। राम सेतु एक हिस्टोरिकल मूवी है जो इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा स्पेशल है। वैसे तो इससे पहले भी डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने काफी मूवीज डायरेक्ट की हैं, लेकिन ये मूवी इन मूवीज से काफी हटके है। ये मूवी काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है और उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर रीमेक मूवीज ही देखने को मिलती हैं। ऐसे में ऑडियंस को ओरिजिनल स्टोरी का इंतजार रहता है और राम सेतु मूवी की स्टोरी ओरिजिनली रिटन है। इसके अलावा ऑडियंस आजकल हिस्टोरिकल मूवीज देखना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उससे हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता रहता है और ये जानना शायद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। राम सेतु एक हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है। इस मूवी के सीन्स ऐसे हैं जो अभी के टाइम पर एग्जैक्ट वैसा शूट कर पाना मुश्किल है और इसीलिए मेकर्स को हाई वीएफएक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल इस मूवी के सीन्स काफी डिफरेंट हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इस मूवी में हमें राम सेतु ब्रिज की कहानी दिखाई गई है और उसी की वजह से इस मूवी में हाई वीएफएक्स का यूज हुआ है। वीएफएक्स यूज करने से मूवी और शानदार और स्पेशल दिखती है, लेकिन अगर फिल्म में और VFX हो जाए तो वो भी बेकार ही लगता है। हम उम्मीद करते हैं मेकर्स ने इस फिल्म में लिमिट के हिसाब से ही VFX यूज किया होगा और VFX की मदद से फिल्म और अच्छी बनी होगी। वेल, we wish कि ये मूवी जल्दी रिलीज हो और ये मूवी बहुत ज्यादा हिट जाए। राम सेतु मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फिल्म के तीनों मेन लीड एक्टर्स अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा ने
अपने अपने सीन्स शूट कर लिए हैं, लेकिन खबरों की माने तो अभी भी इस मूवी का कुछ पार्ट शूट होना बाकी रहता है जो फौरन में शूट होगा। वैसे तो इस मूवी का मेजर पोर्शन इंडिया में ही शूट हुआ है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसको फौरन में शूट किया गया है। बात करें फिल्म के सॉन्ग्स की तो राम सेतु मूवी में हमें काफ़ी अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स सुनने को मिलने वाले हैं। ऑडियंस को इस मूवी और इसके सॉन्ग्स का इंतज़ार बेसब्री से है। बात करें राम सेतु मूवी के गानों की शूटिंग की तो खबरों की माने तो इस मूवी के गानों की शूटिंग फॉरेन कंट्रीज में शूट होगी। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मेकर्स इस फिल्म और इसके गाने की शूटिंग जल्द खत्म करें ताकि इसके सॉन्ग्स जल्दी रिलीज हो सकें। वी विश दैट मे दिस मूवी बी सुपर हिट एज अक्षय ऑल हिट मूवीज। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। धन्यवाद। आखिर क्या है राम सेतु का सच? अक्षय किस हद तक जाकर अपनी बात प्रूव करेंगे? क्या अब भी माइथोलॉजिकल फिल्मों की ग्रिप है बॉक्स ऑफिस में? क्या ये तिगड़ी बॉक्स ऑफिस पर चला पाएगी अपना जादू? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राट स्टूडियोज में। भारत और भारतीय संस्कृति जो हमेशा यही सिखाती आई है कि नहा धोकर सबसे पहले अगर किसी का नाम लो तो वो है राम। एक उनके नाम से ही सब सही हो जाता है, और अगर कोई नास्तिक होने की बात करता है तो लोग उसे अनदेखा या फिर समाज से अलग ही करने की कोशिश कर देते हैं। वैसे तो बॉलीवुड भी समय समय पर ऐसे कई मूवीज रिलीज करता है जो माइथो बेस्ड होती है और उनके पीछे दिखाया जाता है कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन। ऐसे ही एक मूवी बॉलीवुड लाने वाला है जिसका नाम है राम सेतु, और इसमें मेन लीड में है अक्षय कुमार। एक्चुअली अक्षय इसमें आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका में नजर आने वाले हैं, और वो ये प्रूफ करते नजर आएंगे कि सच में राम सेतु जैसी चीज पौराणिक काल में बनाई गई थी, और सच में वानर सेना के सहयोग से राम अपनी सीता को बचाकर ले आए थे रावण के चंगुल से, और वानर सेना ने राम का नाम लिखकर पत्थरों को तैरा दिया था। ये तो हो गई मूवी के प्लॉट स्टोरी। इसमें मेन लीड में होंगे अक्षय कुमार। अक्षय एक्चुअली इसमें आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका निभाते नजर आएंगे, और वो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये प्रूफ करते नजर आएंगे कि सच में राम नाम लिखकर ही राम सेतु बनाया जा सकता था, और सच में राम जी अपने वानर सेना के साथ मिलकर अपनी सीता को रावण के चंगुल से बचाकर ले आए थे। यूं तो जब से बॉलीवुड का जन्म हुआ होगा, मुझे लगता है तब से ही ऐसे माइथोलॉजिकल पिक्चर्स बनाने का एकमात्र ट्रेंड है जो कभी पुराना नहीं हुआ। समय समय पर बॉलीवुड ऐसे मूवीज ला ही देता है जो हम सबको इम्प्रेस कर देती है, और किसी ऐसी चीज पर भरोसा करने को मजबूर कर देती है जो शायद हम पिक्चर देखने से पहले ना करते हो। तो चलिए बताती हूँ आपको 2022 की सबसे बड़ी माइथोलॉजिकल मूवी के बारे में। निर्देशक अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर अक्षय कुमार ला रहे हैं राम सेतु, जिसमें ना सिर्फ अक्षय कुछ ऐसे अनसुलझी बातों की गुत्थी सुलझाते नजर आएंगे, बल्कि वो साइंस के साथ मिलकर भी देश की जनता को सच्चाई दिखाने और बताने वाले हैं। अब देखना यह है कि आखिर डायरेक्टर ने कैसे कहानी का रिप्रेजेंटेशन किया होगा कि ये सारी चीजें एकदम सटीक बैठे। आगे आपको ये भी बता दूं कि इस मूवी में अक्षय का साथ निभाते हुए नजर आएंगी जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा। अब फैंस को और भी उम्मीदें बढ़ गई है कि आखिर इन तीनों का ट्रायो कैसे एंटरटेन करेगा हम सबको और क्या नया देखने को मिलेगा। यूं तो माइथोलॉजिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सालों साल साइंस के कारण एक डिबेट छिड़ी हुई है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत सारी माइथोलॉजिकल चीजों के पीछे का साइंटिफिक प्रूफ ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन नेचर तो नेचर ही है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसका ना अंत समझ आता है ना आदि, और इसीलिए बहुत सी बातें ऐसी अनसुलझी सी बनी हुई है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसे प्रूफ होगा राम सेतु और उसके पीछे का सच? क्या अक्षय आर्कियोलॉजिस्ट का कैरेक्टर में ला पाएंगे दम? कैसे माइथोलॉजिकल ट्रेंड होगा फिर से सक्सेसफुल?
हमें अक्सर कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलते हैं जिन पर भरोसा करना शायद हमारे बस के बिल्कुल बाहर होता है, और हम उन बातों के पीछे का सच जानने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग कुछ चीजों के पीछे का साइंटिफिक रीजन ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, जी हाँ, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें एक सनकी आर्कियोलॉजिस्ट अपनी खोज करने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। और आप जानकर सरप्राइज होंगे कि उसकी खोज का टॉपिक रहता है राम जी द्वारा बिल्ड किए गए राम सेतु ब्रिज। जी हाँ, एक्चुअली अक्षय कुमार ला रहे हैं फिर से एक बार ऐसी मूवी जो हम सबका दिल जीतने वाले हैं। और कैसे, मैं बताती हूँ आपको। तो अक्षय ने अपनी अपकमिंग मूवी में एक ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है जो ऐसी माइथोलॉजिकल खोज पर लगा रहता है, और उसका एम ये है कि ऐसी माइथोलॉजिकल चीजों के पीछे का साइंटिफिक सच क्या होता है। ये तो अक्षय ने हमेशा ही हमें अपनी एक्टिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, और हम सबको ये भी पता है कि अक्षय हमेशा अपनी मूवीज में अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं। तो इस बार भी फैंस को इंतजार है कि अक्षय अपने न्यू एक्साइटिंग कैरेक्टर बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट का भी बखूबी से एप्रोप्रिएट लुक बिल्कुल लाएंगे। और अगर मैं अब आपको ये बताऊं कि अक्षय के साथ निभाने आने वाली है दो और एक्ट्रेसेस, दैट इज जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा, फैंस की एक्सपेक्टेशंस की होप्स हाई इसलिए भी हो गई है कि कैसे इन तीनों का ट्रायो अपनी स्किलफुल एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इंक्रीज कर देगा। अगर हम इसको ऐसे देखे कि अगर आज की यूथ को ऐसा कुछ बताए, हम मूवीज के थ्रू बताएंगे, तो शायद उन्हें भी नेचर से रिलेटेड कुछ बातों पर भरोसा होने लगेगा और वो हर चीज के पीछे के साइंटिफिक रीजन के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखना ये है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ मिलकर किस तरह के इंटेंस कहानी रची गई है जिसमें अक्षय ये प्रूव करते नजर आएंगे कि राम सेतु यानी राम जी का नाम जब वानर सेना ने पत्थरों पर लिखा था तब सच में पत्थर तैरने लगे थे और राम जी के साथ उनके वानर सेना ने ब्रिज क्रॉस कर पाई थी। इस तरह से सबने अपनी सीता माँ को रावण के चांगुल से बचाया था। उम्मीद है कि हमने आपकी एक्सपेक्टेशंस और होप्स दोनों इंक्रीज कर दी है, तो आपको अपना एक्साइटमेंट बिल्कुल बचाए रखना है क्योंकि हमें भी ये आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो ये फिल्म देखने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, वापस आऊंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। निभा पाएंगे अक्षय अपने इस किरदार को अच्छे से? जैकलिन और नुसरत का साथ क्या ला पाएंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जान? तो जी मैं आपको बता देती हूँ, इस बार बॉलीवुड ला रहा है राम सेतु। जी हाँ, और इसमें लीड में होंगे अक्षय कुमार। अक्षय एक्चुअली में इसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे नजर आ रहे होंगे, और वो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये प्रूव करते नजर आएंगे कि सच में राम नाम लिखकर ही राम सेतु बनाया जा सका था। और सच में राम जी अपने वानर के साथ मिलकर अपनी सीता को रावण के चांगुल से बचा कर लेके आए थे। वहीं अगर मैं कास्ट एंड क्रू की बात करूं तो अक्षय के अलावा आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा। यूं तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि हीरोइंस एक्चुअली में किस तरीके के रोल्स में हमें नजर आने वाली है, पर क्योंकि हम तीनों कलाकार की एक्टिंग स्किल्स से वाकिफ है तो हम सबको उम्मीद है कि तीनों के साथ में आकर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं और अपने सारे फैंस का दिल जीतने में कामयाब होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि एक्टिंग स्किल और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की, तो अक्षय बेहद ही स्किलफुल हीरो है जो कि हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस बार अक्षय एक नए कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं, तो फैंस और भी ज्यादा काफी एक्साइटेड है कि क्या वो बड़े बालों वाले साइंटिस्ट के लुक फॉलो करेंगे या कूल आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हमें दिखाई देंगे। और क्योंकि ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म होने वाली है तो फैंस वेट कर रहे हैं कि और भी बेहतरीन बातें जानने को मिल सकती है, ऐसी कई माइथो सीक्रेट्स को रिवील कराया जाएगा और यही रिवील
हीरो की मूवी को इंटरेस्ट बनाने वाली है। तो बस आप सब अपने फेवरेट एक्टर्स की मूवी देखने के लिए एक्साइटमेंट बना के रखिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके दिमाग में ऐसी कौन सी माइथोलॉजिकल चीज है जो अटकी हुई है लेकिन आप उसमें भरोसा नहीं करते। राम सेतु को क्यों भेजा गया लीगल नोटिस? क्या इसका असर पड़ेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर? क्या एक बार फिर से अक्षय कुमार की फिल्म होने जा रही है फ्लॉप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयर। दोस्तों, बॉलीवुड के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। एक तरफ तो धड़ाधड़ बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फिल्मों के बॉयकॉट की मांग से एक्टर्स और फिल्म मेकर्स परेशान हैं। इस बीच सुपरस्टार अक्षय कुमार की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और अब बारी है राम सेतु की। लेकिन इससे पहले ही ये कॉन्ट्रोवर्सीज में घिर चुकी है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इस बॉलीवुड फिल्म पर भड़क उठे हैं। आपको बता दें, राम सेतु के एक पोस्टर में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इस्तेमाल किया गया है। इसी पर बीजेपी लीडर भड़क गए हैं। स्वामी ने पहले अक्षय कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी दी थी। अब उन्होंने अपने वकील के जरिए अक्षय समेत 8 लोगों को लीगल नोटिस थमा दिया है। आपने हालिया ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, मुंबई के थिएटर को झूठ और गलत दिखाने का बड़ा शौक है और आदत है, इसीलिए इन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जानकारी देने के लिए मैंने वकील सत्य सभरवाल के जरिए अक्षय और राम सेतु से जुड़े 8 लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें, फिल्म राम सेतु में अक्षय कुमार ने एक आर्कियोलॉजिस्ट की रोल प्ले किया है जो इस बात की जांच कर रहा है कि राम सेतु नेचुरल है या लोगों ने इसे बनाया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलीन और नुसरत भरूचा भी है। फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा ने किया है। ये 24 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। वही दोस्तों, हाल ही का ग्राफ देखें तो अक्षय कुमार ने लगातार फ्लॉप फिल्में दी है। पहले बच्चन पांडे, उसके बाद उनकी रिलीज हुई थी फिल्म रक्षाबंधन और इसी के साथ पृथ्वीराज भी रिलीज हुई जो कि सुपर डुपर फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार की लास्ट सुपर हिट फिल्म की बात करें तो वो फिल्म सूर्यवंशी थी, लेकिन आने वाला टाइम अक्षय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वैसे अक्षय कुमार एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दी है कि कुछ सालों बाद वो एक्शन फिल्में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी इसकी इजाज़त नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको राम सेतु का? आपको क्या लगता है, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होगी या हो जाएगी फ्लॉप? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुमार की सास को था उनके सेक्स पर शक, जब अक्की को ये बात पता चली तो क्या था उनका रिएक्शन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार और सबसे बिजी एक्टर अक्षय कुमार 9 सितंबर को अपना 55वां बर्थडे मना रहे हैं। उनका जन्म 1967 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। पिछले 31 साल से फिल्म इंडस्ट्री में वो एक्टिव हैं और एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी हैं। इस वक्त भी जितनी फिल्में उनकी झोली में हैं उतनी किसी भी सुपरस्टार्स के पास नहीं। ये तो हुई उनके करियर की बात। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक चौंकाने वाली बात ऐसी है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय जब ट्विंकल खन्ना से शादी करने जा रहे थे तो उस वक्त उनकी होने वाली सास डिंपल कपाड़िया को उनके सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा शक था। डिंपल को लगता था कि अक्षय गे है। आपको बता दें, जब अक्षय कुमार को पता चला डिंपल कपाड़िया उन पर शक करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। साल 2016 में जब अक्षय और ट्विंकल कॉफ़ी विद करण पर पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए। शो में ट्विंकल खन्ना ने अपनी शादी को लेकर खुलासा करते हुए बताया था, मम्मी अक्षय को गे समझती थी। उन्हें ये शक इसीलिए हुआ था क्योंकि एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने उनसे ये बात कही थी। ट्विंकल खन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, इसके बाद मम्मी ने अक्षय के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। मम्मी ने ये जानने के लिए कि अक्षय शादी के बाद बच्चे पैदा कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए उनका जेनेटिक टेस्ट भी कराया।
अक्षय ने इस दौरान बताया था, मुझे ये जानकर बहुत गुस्सा आया था कि डिंपल जी को मुझ पर शक है और वो मुझे गे समझती है और जेनेटिक चेक भी करवाए। लेकिन अक्षय ने ये बात भी कबूल की कि कुंडली के बजाय जेनेटिक टेस्ट ही करवाया जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय कुमार को अपनी बेटी का हाथ देने से पहले डिंपल कपाड़िया ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रखी थी। उन्होंने अक्षय से कहा था कि शादी से पहले उन्हें साल भर ट्विंकल के साथ लिव इन में रहना पड़ेगा। डिंपल कपाड़िया की शर्त मानते हुए अक्षय ट्विंकल साल भर लिव इन में रहे और फिर आखिरकार कपल शादी के बंधन में बन गए। जनवरी 2001 में दोनों ने शादी की और कपल के दो बच्चे हैं। अक्षय कुमार ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनके साथ धोखा हो गया था। जिस फिल्म से उन्हें डेब्यू करना था वो उनसे रातों रात छीन ली गई। इसके बाद उन्होंने 1991 में सौगन फिल्म से डेब्यू किया जो सुपर फ्लॉप हुई। पहली ही फिल्म फ्लॉप होने के बाद उनकी 1992 में सस्पेंस थ्रिलर खिलाड़ी आई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और तब से ही उन्हें खिलाड़ी का टैग मिल गया। अक्षय कुमार की वर्क फ्रेंड की बात करेंगे तो राउडी राठौर 2, ओएमजी 2, बड़े मियां छोटे मियां, गोरखा, राम सेतु जैसी फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार हैं अक्षय कुमार। वहीं दोस्तों राम सेतु को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है जिसमें वो एक आर्कियोलॉजिस्ट बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही वो खोज करेंगे राम सेतु की और ये बताएंगे कि राम सेतु सच है या सिर्फ एक मिथ। क्या राम सेतु का टीजर आपको ले आएगा थिएटर तक? क्या है टीजर की खास बातें? कब रिलीज हो रही है फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिकराज स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु का टीजर रिलीज कर दिया है। सामने आए टीजर में देखा जा सकता है कि अक्की एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। टीजर में एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर सब कूट कूट कर भरा है। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे धड़ाधड़ चलती गोलियों और बमबारी के बीच अक्षय राम सेतु को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में उनका काफी डिफरेंट रोल नजर आया। टीजर में अक्षय एक डायलॉग बोल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है राम सेतु को बचाने के लिए। टीजर में राम 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 के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। अक्षय ने टीजर शेयर करते हुए लिखा, राम सेतु की पहली झलक सिर्फ आपके लिए बहुत प्यार से बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, बताना जरूर राम सेतु 25 अक्टूबर को थिएटर में। वहीं दोस्तों आपको बता दें अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु इस दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज होगी। फिल्म में उनके साथ है जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा, सत्यदेव लीड रोल में। वहीं दोस्तों फिल्म को अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार ने पानी के अंदर भी एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं। राम सेतु का टीजर देखते ही फैंस धड़ाधड़ कॉमेंट करने लगे, ज्यादातर ने दिल और आग वाली इमोजी शेयर की। वहीं कुछ ने लिखा कि वो फिल्म का इंतजार नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, अक्षय कानूनी पछड़े में फंस गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में गलत तरीके से फैक्ट्स को पेश किया गया है, ऐसा कहना था बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का और उन्होंने केस दर्ज भी कराया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें ये साल अक्षय कुमार के लिए कुछ खास नहीं रहा। उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन, तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। इसके बाद उन्होंने माइंड गेम खेला और कठपुतली को OTT पर रिलीज किया और उन्हें अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मिला। वही दोस्तों आने वाले टाइम में अक्षय कुमार राउडी राठौर 2, कैप्सूल गिल, डबल XL, OMG 2, सेल्फी समेत कई फिल्मों में नजर आएंगे। वो अली अब्बास जफर के साथ बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। वहीं दोस्तों प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो अक्षय कुमार हमेशा छाए रहते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ की वजह से कई बार चर्चा में आए हैं। आपको बता दें अक्षय कुमार की जो सासू माँ है यानी कि डिंपल कपाड़िया वो उन्हें समझती थी गे। जी हाँ दोस्तों, इसका खुलासा खुद ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ने कॉफी विद करण में किया था। आप तो जानते ही कॉफी विद करण में लोग अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, सेक्स लाइफ सब कुछ जी खोल के बता देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ और फिर अक्षय कुमार ने बताया कि कैसे उनकी माँ यानी कि सासू माँ जी उन्हें ये समझती थी और फिर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि ये बात सही है,
यहाँ तक कि ट्विंकल खन्ना ने ये भी बताया कि उनकी माँ को उनकी जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बताया था कि अक्षय कुमार गे हैं। उसके बाद डिंपल ने अक्षय और ट्विंकल को कहा कि आपको शादी से पहले रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, लिव इन में रहना पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम्हारी शादी होगी। अक्षय कुमार को उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था, लेकिन अब अक्षय कुमार ने कबूल किया कि कुंडली मिलाने से अच्छा मेडिकल टेस्ट किए जाने चाहिए, मैच किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, अक्षय कुमार को सबसे बिजीएस्ट एक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि बॉलीवुड में उनकी हर साल 4 से 5 फिल्में आई ही जाती हैं। किन दो साउथ स्टार की एंट्री हुई फिल्म में? क्यों आ रहे हैं दो धर्म गुरु साथ में? क्या दिखे थे पहले भी ये जोड़ी साथ? So hello to my lovely viewers, welcome back to your favorite YouTube channel Bollygrad Studios. This is Riya और आज की latest news जुड़ी है बॉलीवुड की upcoming फिल्म राम सेतु के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहे मेरे साथ। अक्षय की अभी हाल ही में 24 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई है और जिसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके अलावा अक्षय कुमार के पास कई सारी फिल्में भी हैं। इनमें एक राम सेतु भी जुड़ी है। फिल्म लंबे वक्त से अपनी कहानी और कास्ट को लेकर चर्चा में रही थी और फिल्म में अक्षय के साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस नजर आने वाली है। वहीं अब फिल्म के कास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि फिल्म में साउथ के सुपरस्टार में एंट्री किए जाएंगे। बता दें कि ये दो सुपरस्टार सत्यदेव और नस्कर हैं और गुरु की भूमिका निभाने वाले जो अक्षय को फिल्म में उनके नाम के बीच अड़चन डालेंगे, क्योंकि ये हर बार होता है कि जब भी किसी धार्मिक विषय पर फिल्में बनती हैं तो कुछ धर्म गुरु बीच में आने जाती है। बता दें कि दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे और मेकर्स फिल्म के स्टार कास्ट को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए साउथ के दो बड़े नामों को फिल्म के लिए साइन किया गया है। नसर ने अक्षय के साथ रावड़ी राठौर में काम किया था, वहीं सत्यदेव पहली बार अक्षय के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। और कोरोना ने अगर किसी स्टार को सबसे अधिक प्रभावित भी किया है तो वो अक्षय कुमार है। कोरोना के कारण अक्षय कुमार की 9 फिल्में अधर में चल रही हैं और इन्हीं में से एक राम सेतु भी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी लेकिन कोरोना की वजह से बीच में ही रोक दी गई, लेकिन अब शूटिंग खत्म होने वाली है और फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा कर रहे हैं और प्रोडक्शन विक्रम मल्होत्रा के साथ मिलकर अरुण भाटिया कर रहे हैं। और फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार एक आर्कियोलॉजिस्ट का है और मेकर्स फिल्म को अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। वैसे आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहें मेरे साथ। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। किस्मत से कौन है फिल्म के लिए अक्षय से बेटर ऑप्शन? क्या अक्षय फिल्म के प्रमोशन के लिए जाएंगे कपिल के शो में इस बार? क्यों अक्षय नहीं गए कैंस फेस्टिवल में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। राम सेतु, आपने इससे जुड़ी कई कहानी और किस्से सुने होंगे और उन्हीं किस्सों कहानियों को मिला के फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने बना डाली पूरी एक फिल्म, जिसमें हमें अक्षय कुमार, सत्यदेव, जैकलीन और नुसरत भरूचा दिखाई देंगे। फिल्म की अनाउंसमेंट हमें बहुत पहले से सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही थी और फिल्म में हमें मेन लीड में अक्षय कुमार दिखाई दे सकते हैं, ये भी बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था। बात करें फिल्म के लिए उनसे बेटर ऑप्शन की, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर कोई ऑप्शन होगा बॉलीवुड में, क्योंकि अक्षय भले ही साल में 4 फिल्में करते हैं पर हर फिल्म में उनका काम सबको पसंद आता है। और बात करें उनके किरदार की, तो फिल्म के पोस्टर के बाद उनका किरदार और उनका लुक भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। ऐसे में उनसे बेटर ऑप्शन कोई हो भी नहीं सकता बॉलीवुड में, तो बिल्कुल नहीं। फिल्म राम सेतु की कहानी पूरी हो चुकी है और फिल्म इसी साल हमको बड़े पर्दे पर देखी जाएगी। बात करें फिल्म के प्रमोशन की, तो फिल्म को वैसे तो प्रमोशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिख रही, क्योंकि जिस फिल्म में राम के नाम और राम के साथ हो वो फिल्म पर्दे पर तो नहीं डूब सकती। वैसे भी फिल्म में हमें राम सेतु के पत्थर की रिसर्च देखने को मिल सकती है, जो पत्थर पानी में नहीं डूबे थे, तो ऐसे में उस फिल्म की कहानी कैसे डूब सकती है? खैर,
इन सब के बावजूद फिल्म का प्रमोशन हमें बड़े लेवल पर देखने को मिल सकता है, और बॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो और वो कपिल शर्मा शो में प्रमोशन के लिए ना जाए, ऐसा तो बहुत कम होता है। पर बीते दिनों अक्षय और कपिल के बीच हमें विवाद देखने को मिला, जिसके बाद अक्षय अपनी फिल्म बच्चन पांडे के लिए कपिल के शो से दूर दिखाई दिए। पर हाल ही में दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने की भी खबर हमें देखने को मिली। ऐसे में हमें इस बार अक्षय कुमार कपिल शर्मा के शो में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वही धमाल और मस्ती मजाक वो उनके शो पर जो करते हुए नजर आ सकते हैं। पर ये तो हुई राम सेतु की प्रमोशन के लिए कपिल के शो में जाने की बात, वहीं अक्षय जाते हुए दिखाई दे सकते हैं पर जो कैंस फेस्टिवल हो रहा है उसमें अक्षय नहीं जा पाएंगे, और इसकी वजह है कोरोना। जी हाँ, अक्षय कुमार के बीते दिन कोरोना टेस्ट हुआ था जिसमें वो कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद उनकी कैंस में होने वाली एंट्री अब रुक गई है। यही नहीं, उनके आने वाले प्रोजेक्ट और उनकी शूट भी इसी वजह से रोक दी गई है। वैसे घबराने की बात नहीं है क्योंकि अब कोरोना का असर कम हो चुका है, पर फिर भी उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। अक्षय के कोविड पॉजिटिव होने से उनकी आने वाली काफी फिल्मों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में अक्षय दिखेंगे एक बार अलग तरह के साइंटिस्ट के रूप में, या फिल्म में देखने को मिलेगा कुछ सेंसिबल? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। क्या अक्षय कुमार बटोरेंगे फिल्म में वाहवाही? कौन करेगा फिल्म के स्टंट को डायरेक्ट? क्या फिल्म में दिखाई देगा हॉलीवुड टच? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस दिवाली प्रभु श्री राम के नाम पर हर सिनेमा घर में भी गूंजता दिखाई दे सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस दिवाली हमें अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु पर्दे पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार हमें बिल्कुल ही अलग अवतार में दिखाई दे सकते हैं। फिल्म में हमें अक्षय के अलावा तेलुगु स्टार सत्यदेव और बॉलीवुड की दो हसीनाएं भी देखने को मिलेंगी। पर जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में हमें अक्षय कुमार ही देखने को मिल सकते हैं। फिल्म के पहले पोस्टर और हर अपडेट में हमें अक्षय कुमार ही सबसे आगे दिखाई देते हैं। ऐसे में फिल्म के अंदर भी सारी सुर्खियां वही बटोरते दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी जिस फिल्म में अक्षय कुमार हो तो लोग शायद ही किसी और एक्ट्रेस या एक्टर को देखना पसंद करेंगे। वैसे भी फिल्म में उनका लुक और अंदाज उनकी बाकी फिल्मों से काफी हटके देखने को मिल रहा है, जिसको देख के आई होप उनके फैंस काफी एक्साइटेड होंगे उनको पर्दे पर देखने के लिए। फिल्म में हमें अक्षय कुमार राम सेतु ब्रिज के पत्थरों की तलाश में दिखाई देंगे, और जैसे कि हमें फिल्म की दूसरे पोस्टर में देखा वो किसी गुफा जैसी जगह में हमें दिखाई दिए, जिसका मतलब उनके रास्ते में काफी कई रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं, जिसका मतलब फिल्म में हमें अक्षय कुमार और बाकी कलाकारों के स्टंट भी देखने को मिल सकते हैं, और ये स्टंट डायरेक्ट करेंगे प्रवेज शेख। जो लोग इन्हें नहीं जानते तो बता दूं, इन्होंने आपकी कई मनपसंद फिल्मों का स्टंट डायरेक्ट करा हुआ है, जिसमें वॉर, बैंग बैंग और एक था टाइगर जैसी फिल्में शामिल है। ऐसे में फिल्म के स्टंट हमें बिल्कुल रियलिस्टिक देखने को मिल सकते हैं, और उनके स्टंट और फिल्म की कहानी दोनों मिलके पूरे बॉलीवुड को हिला सकती हैं। हमें फिल्म में थोड़ा हॉलीवुड टच भी देखने को मिल रहा है। अगर आपने फिल्म के पोस्टर पर नजर डाली हो तो फिल्म का पोस्टर काफी हद तक हमें हॉलीवुड फिल्म जैसा दिखाई दिया, पर फिल्म की कहानी और खतरनाक स्टंट के बाद हमें फिल्म हॉलीवुड से भी अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिल्म के कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और काफी लोग इस टॉपिक के ऊपर फिल्म को देखना पसंद भी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फिल्म हमें ब्लॉकबस्टर भी जाती दिखाई दे सकती है, और फिल्म हमें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी तहलका मचाते हुए दिखाई दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म का स्टंट और डायरेक्शन देख हिल जाएगा पूरा सिनेमा, या फिर दिखेगा हमें टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
आदमी अपने आप से भाग सकता है। अपनी किस्मत से, किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्या राम सेतु में खुलेंगे इतिहास के पन्ने? क्यों रखा गया फिल्म का नाम राम सेतु? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय की राम सेतु का इंतजार तो उनके फैंस को बड़े ही लंबे समय से था और जैसे ही फिल्म का ऐलान हुआ फैंस की उम्मीदें फिल्म को लेकर बढ़ गई। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी एक आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर है जिसे दुनिया की एक अलग ही खोज करने में दिलचस्पी है और बस वो निकल पड़ता है अपनी एक अलग ही खोज में। बता दें कि फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ नया सा है दर्शकों के लिए, तो फिल्म से उम्मीदें तो बढ़ेंगे ही। अब राम सेतु के डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्म्स दी हैं। अब अगर बात करें अभिषेक शर्मा की तो उन्होंने परमाणु, सूरज पे मंगल भारी, द शौकीन जैसी फिल्में दी हैं बॉलीवुड को। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अभिषेक शर्मा और अक्षय की जोड़ी साथ में मिलकर काम कर रही है। आपको बता दें कि दोनों ने फिल्म द शौकीन में भी साथ मिलकर काम किया था, पर बता दें कि उस फिल्म में अक्षय ने कैमियो रोल प्ले किया था। अब इस फिल्म में दोनों डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी क्या रंग लाती है ये हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बात करें फिल्म की लीड कास्ट की तो हमें फिल्म में दिखाई देंगी जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा। आपको बता दें कि नुसरत और अक्षय की ये साथ में पहली फिल्म होगी। हाल ही में हमने नुसरत को हॉरर मूवी छोरी में देखा था। बता दें कि फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई थी और फिल्म की स्टोरी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब जहां फिल्म में दो हीरोइन और एक हीरो है तो भला ये सवाल तो उठेगा ही, कौन होगा किसके ऑपोजिट। वैसे बता दें फिल्म के किरदारों के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, पर फिल्म के पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है जहां हम अक्षय को एक मशाल पकड़े हुए देख सकते हैं और साथ ही में उनके साथ हमें जैकलीन और सत्यदेव भी दिखाई देते हैं। फिल्म 2022 की दिवाली पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि फिल्म के पोस्टर रिलीज होने के बाद ही फैंस के कई कमेंट भी वायरल हुए और फिल्म के पोस्टर को काफी पसंद भी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अभी नुसरत का लुक रिवील नहीं किया गया है। जहां हमको अक्षय और जैकलीन का लुक देखने को मिल ही गया है, वहीं फैंस को इंतजार है नुसरत के नए लुक का। अब फिल्म हमारे लिए क्या लेके आएगी दिवाली पर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है किरण यादव। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। कौन है अक्षय का स्टंट डबल? खतरनाक स्टंट खुद निभाया है उन्होंने आज तक। कई स्टार्स के जैसे अक्षय भी उनका स्टंट खुद ही निभाते हुए आए हैं। अब ये चीज तो सालों से बहुत इवॉल्व हुआ है, यानी कि पहले तो फिर भी अक्षय वगैरह के साथ साथ बाकी सब एक्टर स्टंट डबल रखते थे। आज के जमाने में पहले के हीरोज में से अजय अक्षय ही एक है जो उस टाइम भी मैक्सिमम स्टंट्स खुद करते थे और आज भी वही करते हैं। और कोई नॉर्मल वाले नहीं, जबरदस्त अनोखी स्टंट्स करते दिखाई देते हैं वो। और ये दावा है इन दो एक्टर्स का कि आगे भी हमेशा यही देखने मिलेगा ऑडियंस को। तो दोस्तों बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कुठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब राम सेतु आने वाली है जो माइथोलॉजिकल जॉनर वाली फिल्म होगी जिसमें मॉडर्न टच दिया गया है। अब इसमें तो श्री राम भगवान से रिलेटेड जगह के बारे में बताएंगे कि कहां कहां रहे हैं, कहां कहां क्या किया है। मेनली इसमें वो सब जगह पर रिसर्च करके बताएंगे और स्पेशली राम सेतु ब्रिज का भी रिसर्च बताने वाले हैं। अब रिसर्च वर्क करते हुए दिखेंगे अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और सत्यदेव, यानी कि उनका एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल होने वाला है इस फिल्म में। और उनके साथ साथ नुसरत भी लीड रोल में दिखाई देने वाली है। अब इसके साथ साथ इस फिल्म में होगा धमाका, यानी कि एक्शन वगैरह, क्योंकि ये बात तो मानने वाली बात है कि खिलाड़ी एक्टर है तो वो स्टंट्स और एक्शन के बिना रह नहीं पाएंगे। तो बस समझ लीजिए कि ये फिल्म में भी होगा जबरदस्त एक्शन भी, तो और क्या फिर निभाएंगे वो खुद के स्टंट्स। लग तो यही रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टंट्स अक्षय खुद ही करते दिखाई दिए हैं आज तक, और तो और उन्होंने कई साल पहले इस चीज की ट्रेनिंग भी ली है। बट क्या आपको लगता है कि इनके स्टंट्स डबल भी होते होंगे? अब होते तो
जरूर है बट हार्डली 10 में से एक या दो स्टंट स्टंटेबल निभाते हैं। काफी टाइम पहले बात सुनने में आई थी कि अक्षय के स्टंटेबल पहले रोहित शेट्टी हुआ करते थे। ये चीज का खुलासा खुद अक्षय और रोहित ने साथ मिलकर किया था एक इंटरव्यू के दौरान, जिससे सब हो गए थे शॉक और साथ ही साथ एक्साइटेड। अब इस फिल्म में भी होने वाले है खतरनाक स्टंट्स और साथ ही साथ अक्षय ने पहले भी निभाए है ऐसे हेलीकॉप्टर से लटकने वाले स्टंट्स और भी कई सारे जो काफी फेमस भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें एंड हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू। इस हादसे को देखेगा वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईश्वर अगर आप सच में हैं तो उसे जिंदा रखना। इस धरती पर होने वाली हर घटना का साक्ष्य केवल दृष्टि ही नहीं बल्कि सृष्टि भी है। कौन मार रहा है मरने वाले को पता नहीं होता है, क्यों मार रहा है मारने वाले को भी पता नहीं होता है। राम सेतु में खुलेंगे इतिहास के पन्ने, क्यों रखा गया फिल्म का नाम राम सेतु। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय की राम सेतु का इंतजार तो उनके फैंस को बड़े ही लंबे समय से था और जैसे ही फिल्म का ऐलान हुआ फैंस की उम्मीदें फिल्म को लेकर बढ़ गई। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी एक आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर है जिसे दुनिया की एक अलग ही खोज करने में दिलचस्पी है और बस वो निकल पड़ता है अपनी एक अलग ही खोज में। बता दें कि फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ नया सा है दर्शकों के लिए तो फिल्म से उम्मीदें तो बढ़ेंगे ही। अब राम सेतु के डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा जिन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्म्स दी हैं। अब अगर बात करें अभिषेक शर्मा की तो उन्होंने परमाणु, सूरज पे मंगल भारी, द शॉकीज जैसी फिल्में दी हैं बॉलीवुड को। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अभिषेक शर्मा और अक्षय की जोड़ी साथ में मिलकर काम कर रही है। आपको बता दें कि दोनों ने फिल्म द शॉकीज में भी साथ मिलकर काम किया था, पर बता दें कि उस फिल्म में अक्षय ने कैमियो रोल प्ले किया था। अब इस फिल्म में दोनों डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी क्या रंग लाती है ये हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बात करें फिल्म की लीड कास्ट की तो हमें फिल्म में दिखाई देंगी जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा। आपको बता दें कि नुसरत और अक्षय की ये साथ में पहली फिल्म होगी। हाल ही में हमने नुसरत को हॉरर मूवी छोरी में देखा था। बता दें कि फिल्म Amazon Prime Video पर रिलीज की गई थी और फिल्म की स्टोरी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब जहां फिल्म में दो हीरोइन और एक हीरो है तो भला ये सवाल तो उठेगा ही कौन होगा किसके ऑपोजिट। वैसे बता दें फिल्म के किरदारों के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है पर फिल्म के पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है जहां हम अक्षय को एक मशाल पकड़े हुए देख सकते हैं और साथ ही में उनके साथ हमें जैकलिन और सत्यदेव भी दिखाई देते हैं। फिल्म 2022 की दिवाली पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि फिल्म के पोस्टर रिलीज होने के बाद ही फैंस के कई कमेंट भी वायरल हुए और फिल्म के पोस्टर को काफी पसंद भी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अभी नुसरत का लुक रिवील नहीं किया गया है। जहां हमको अक्षय और जैकलिन का लुक देखने को मिल ही गया है वहीं फैंस को इंतजार है नुसरत के नए लुक का। अब फिल्म हमारे लिए क्या लेके आएगी दिवाली पर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है किरण यादव। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का फिर हुए अक्षय ट्रोल। क्यों हुए अक्षय फिल्म के पोस्टर से आने से ट्रोल? क्या फिल्म में दिखेगा माइथोलॉजिकल रेफरेंस? कब होगा फिल्म का ट्रेलर रिलीज? अक्टूबर में हमें खिलाड़ी कुमार के मच अवेटेड फिल्म राम सेतु भी देखने को मिलेगी। फिल्म में अक्षय और जैकलिन हमें साथ दिखाई देंगे। बीते दिन फिल्म के मेकर्स ने राम सेतु का पोस्टर भी लॉन्च करा
जिसको देख के लोगों ने हर जगह एक बार फिर अक्षय कुमार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल पोस्टर में अक्षय हाथ में मशाल लेके खड़े दिखाई दिए। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या था जो ट्रोल हुआ, तो हुआ यूं कि अक्षय जो मशाल लेके खड़े थे पर जैकलिन हाथ में टॉर्च लिए खड़ी थी, जिसको देख के दर्शकों ने अक्षय कुमार और मेकर्स को खूब ट्रोल किया कि अगर आपके पास टॉर्च है तो मशाल की क्या जरूरत थी। फिल्म के आने से पहले ही लोगों ने पोस्टर को इतना ट्रोल कर डाला, न जाने फिल्म के आने के बाद लोग अक्षय कुमार का क्या हाल करेंगे। ऊपर से फिल्म में हमें कई मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। फिल्म का नाम ही राम सेतु है, जो कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय में बनाया था। ऐसे में हमें कई रोचक चीजें भी मेकर्स फिल्म के जरिए दिखाते मिलेंगे, या यूं बोलो हिस्ट्री को एक नए रंग से आज के समय में दिखाएंगे, जिसपे अगर जरा भी ऊंच नीच करी तो मानो फिल्म गई। फिल्म को अभी तो बस ट्रोल करा जा रहा है, आगे इसका बैन, बॉयकॉट और ना जाने क्या क्या करना पड़े। वैसे अक्षय इससे पहले कई मैथोलॉजिकल रेफरेंस फिल्म कर चुके हैं, बल्कि उनकी हमें आने वाले समय में एक और मैथोलॉजिकल फिल्म देखने को भी मिलेगी, OMG 2। फिल्म के पहले पार्ट में हमें अक्षय कुमार कृष्णा की भूमिका में दिखे थे और इस फिल्म में वो लॉर्ड राम की शरण में जाते दिखेंगे, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो OMG 2 में वो शिव का किरदार निभाते दिखेंगे। ऐसे में लगता है अक्षय आने वाले कुछ फिल्मों में भगवान बने ही दिखाई देंगे। फिल्म को लेके पोस्टर तो हमने बीते दिन सोशल मीडिया पर दिखाई दिया, उसका रिस्पांस कैसा रहा ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पर आखिर कब तक मिलेगा फिल्म का ट्रेलर हमें देखने को? तो बता दे कि फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज होनी है, जिसका मतलब ट्रेलर हमें अगस्त मीडिया सितंबर की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। इस बार मेकर्स से यही उम्मीद रहेगी कि वो ट्रेलर सही कट करे, नहीं तो उनका बॉलीवुड से पत्ता जरूर कट हो सकता है। वैसे ही लोग आजकल छोटी छोटी गलतियां पकड़ते हैं और राम सेतु का ब्रिज तो अभी से हमको हिलता नजर आ रहा है पोस्टर के आने के बाद। ऐसे में मेकर्स को फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो जिस फिल्म का लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसको लोग पर्दे पर आने तक नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म को लेकर देखने मिलेंगे और विवाद, या प्रभु श्री राम करेंगे सबकी नैया पार? कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। किस्मत से दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। दोनों के रोल्स में क्या अंतर है? क्या अक्षय ये फिल्म के कोर बिल्डर है? आपको नहीं लगता जब से कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ तभी से कंपैरिजन भी काफी हद तक बढ़ चुका है सभी के बीच में? अब साउथ के फिल्मों के फैंस तो सब पहले से थे, बता दें इनफैक्ट बाहुबली के पहले से थे, बट बाहुबली के बाद लोगों को समझा कि इनके पास की क्लास और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। लोगों को बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्में ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसी चक्कर में बॉलीवुड भी काफी अच्छी टक्कर दे रहा है साउथ इंडस्ट्री को। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब राम सेतु फिल्म आ रही है और ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये फिल्म एक ब्रिज राम सेतु के ऊपर बेस्ड होगी और इसमें अक्षय एंड जैकलिन होंगे एक आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो रिसर्च वर्क करते दिखाई देंगे यही चीज पर कि ये मिथ है या रियलिटी। अब ये ब्रिज तो आधा डूब चुका है, बट इसके साथ साथ कई दूसरी खूबसूरत लोकेशंस भी दिखाई जाएगी जिसका रिसर्च वर्क करते हुए दिखाई देंगे ये दोनों। और नुसरत भी लीड में है, जो होगी अक्षय की लवर इस फिल्म में। अब अक्षय कुमार ठहरे बॉलीवुड के खिलाड़ी और वही नागार्जुना को भी साउथ में यही नाम से पुकारते हैं और लोग तो तरसते हैं इन दोनों का काम देखने के लिए। तब आपको लग रहा होगा कि इनका इस फिल्म से क्या कनेक्शन है, तो बता दे अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र में नागार्जुना निभाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट का रोल और वही रोल निभाएंगे अक्षय कुमार इस फिल्म राम सेतु में। अब दोनों भी फिल्में आगे पीछे ही रिलीज होने वाली है और दोनों का जॉनर भी काफी सिमिलर है, यानी कि राम सेतु में अंतर ये होगा कि वो मॉडर्न टच के साथ बताई जाएगी। और इन दोनों के कैरेक्टर्स में भी एक ही डिफरेंस है कि नागार्जुना निभाएंगे कैमियो रोल और अक्षय होंगे लीड रोल में, जो कोर बिल्डर है इस फिल्म के। तब एक दूसरे को कितनी टक्कर देंगे वो तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपस में ठहरे ब्लॉकबस्टर हीरोज ऑफ दिस एरा। पर अब बात भी कुछ ऐसी सुनने में आई है कि अक्षय होंगे कोर बिल्डर इस फिल्म के, जिनके कारण पूरी जान डलेगी राम सेतु में
और वो ही नहीं, ये फिल्म का कंसेप्ट एंड यूनिकनेस ही सब कुछ डिफाइन कर रहा है। स्टोरी ही अलग वे में नरेट करेंगे तो फर्क तो पड़ने ही वाला है। तो देखते हैं क्या रंग जमाएंगे दोनों अपनी अपनी फिल्मों में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। क्या फिल्म के पोस्टर के बाद ट्रेलर में भी देखने मिलेगी कमियां? क्या फिल्म साइंस छोड़ मिथोलॉजी पर देगी ज्यादा ध्यान? क्या अक्षय के लुक को मिला लोगों का अप्रूवल? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्तन होस्ट श्रीशा। 2022 में हमें कई बड़ी फिल्में दिखाई देंगी और उन्हीं बड़ी और हिस्टोरिक फिल्मों में से एक है राम सेतु, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। फिल्म की कहानी हमें प्रेजेंट सिचुएशन दिखाएगी, पर कहानी हमें पास्ट यानी कि रामायण के युग की देखने को मिल सकती है। फिल्म के मेन लीड में हमें अक्षय कुमार दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ देंगे बॉलीवुड की दो हसीनाएं और तेलुगु इंडस्ट्री के एक्टर। साथ ही फिल्म के अब तक के दो पोस्टर सामने आ चुके हैं। पहले पोस्टर को देख लोग बहुत खुश हुए थे, पर दूसरे पोस्टर के बाद लोग काफी निराश हुए क्योंकि पोस्टर में लोगों ने बहुत बड़ी कमी को पकड़ा, जिसके बाद अब मेकर्स के लिए ये टास्क होगा कि वो फिल्म के अंदर से ऐसे कट निकाले ट्रेलर के लिए जिसमें कोई भी कमी ना हो, क्योंकि अगर फिल्म में कोई कमी दिखती है तो लोग फिर एक बार मेकर्स और अक्षय को ट्रोल करते नजर आ सकते हैं। और इस बार ये कमी भारी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि कोई भी मेकर या आर्टिस्ट नहीं चाहेगा। वैसे भी अगर आप फिल्म में कमियां निकालने बैठोगे तो बहुत होती हैं, पर कुछ गलतियां नजरअंदाज करी जा सकती हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी वैसे तो हमें साइंस और मिथोलॉजी रेफरेंस मिक्सअप बताई जा रही है, पर फिल्म के पोस्टर और बिहाइंड द सीन्स को देखकर यही मालूम लग रहा है कि फिल्म साइंस को छोड़ मिथोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देती नजर आ सकती है। क्योंकि अगर आपने फिल्म का पहला पोस्टर भी देखा हो तो उसमें हमें श्री राम की फोटो बैकग्राउंड में देखने को मिली है, और उसके बाद फिल्म के दूसरे पोस्टर में भी हमें एक गुफा सी दिखाई गई, जिसका साफ मतलब यही निकलता है कि फिल्म की कहानी मिथोलॉजी रेफरेंस को प्रूव करती दिखाई दे सकती है, पर साइंस को हमें ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। मुझे तो लगता है साइंस के नाम पर फिल्म में सिर्फ अक्षय कुमार को प्रोफेशन ही साइंटिस्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सब कुछ हमें फिल्म में मिथोलॉजी और फिक्शनल की ओर ज्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, फिल्म की और कहानी के हिसाब से हीरो का लुक बहुत जरूरी होता है, और बात करें बॉलीवुड के सबसे ज्यादा लुक चेंज करने वाले हीरो की, तो उसमें हमें अक्षय सबसे आगे दिखाई दे सकते हैं। वो साल में फिल्में भले ही चार करते हो, पर किरदार उनकी चारों अलग होते हैं और सब क्या अपना लुक भी अलग ही होता है, और कुछ ऐसा ही अनोखा और कूल लुक हमें उनकी आने वाली फिल्म राम सेतु में देखने को मिल रहा है। फिल्म का लुक अक्षय ने सबसे पहले अपने फैंस के साथ शेयर करा था और उनसे अपने लुक के बारे में राय भी ली थी, और जब लोगों ने उनका नया लुक देखा तो लोगों का रिस्पांस देख अक्षय कुमार काफी खुश हुए। दोस्तों, लोगों ने उनके लुक के ऊपर कमेंट्स में खूब तारीफ करी। किसी ने लिखा, हमेशा की तरह औसम, तो किसी ने लिखा अब तक के सबसे बेस्ट लुक। वैसे देखा जाए तो ये अब तक का बेस्ट लुक तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है, क्योंकि अक्षय इस लुक में काफी कूल दिखाई दे रहे हैं और फिल्म में उनका अंदाज भी हमें काफी कूल देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में अक्षय बटोरेंगे अपने कूल अंदाज से लोगों का दिल, या कमियां देख भड़क उठेंगे लोग?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही चटपटी और लेटेस्ट खबरों के साथ, तो बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। किस्मत से दुनिया का सबसे बड़ा नशा अक्षय की नाम से तू क्या कमाल दिखाई थी बॉक्स ऑफिस पे। क्या बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के बाद राम सेतु से उम्मीद लगा सकते हैं दर्शक? दिवाली में बॉम्ब बनेगी या फुसकी बॉम्ब बन के रह जाएगी अक्षय कुमार की राम सेतु? हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। क्या राम सेतु मूवी भारतीयों को उनके इतिहास के कुछ अनसुने रहस्य बताने में होगी कामयाब? क्या अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा की फिल्म बॉक्स ऑफिस में दिखा पाएगी कमाल? मिथ और रियलिटी में किसकी होगी जीत? राम सेतु फिल्म का इंतजार तो दर्शकों को बड़े ही वक्त से था, और जब से उसकी रिलीज का ऐलान किया गया है दर्शकों को फिल्म से और भी उम्मीदें हो गई है। राम सेतु की स्टोरी है एक आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर जो एक अनोखी खोज में ही निकल गया है। राम सेतु का रहस्य जानने के लिए वो सच में मिथोलॉजी से जुड़े एक सच है या कोई अंधविश्वास है? राम सेतु के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को कई सफल फिल्में दी है, जैसे परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण, सूरज पे मंगल भारी, द शौकीन्स एक्सेट्रा। अब देखना यह है कि क्या ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी हिट हो पाएगी बॉलीवुड में, और ये क्या छाप छोड़ पाएगी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पे। किसी भी फिल्म के सबसे मेजर पार्ट होते हैं प्रोड्यूसर्स, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा। राम सेतु का प्रोडक्शन हाउस है केप ऑफ गुड फिल्म्स। बात करें फिल्म की बाकी लीड कास्ट की, तो जैकलिन फर्नांडिस, जिन्हें अभी हाल में ही अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे में भी दर्शकों ने देखा और पसंद किया, अब वो जोड़ी वापस से दर्शकों को देखने मिलेगी। लेकिन क्या इस बार भी लव ट्रायंगल होगा, ये बताना तो मुश्किल है। हाल ही की फिल्म से जुड़े सभी किरदारों के नाम अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। जहां जैकलिन और अक्षय की जोड़ी देखी ली है सबने, वहीं नुसरत भरूचा और अक्षय की जोड़ी का बेसब्री से इंतजार है फैंस को। इस बार राम सेतु ही एक लौटी फिल्म नहीं होगी जो कि माइथोलॉजिकल से कनेक्शन आपको दिखाएगी। बॉलीवुड के ऊपर और भी माइथोलॉजी फिल्म्स रिलीज होंगे आने वाले साल में, और वो फिल्में हैं ब्रह्मास्त्र। ये फिल्म को दो पार्ट में दर्शकों के सामने लाया जाएगा। पहले पार्ट में हजारों साल पहले के पास्ट के बारे में बताया जाएगा, और दूसरे पार्ट में मॉडर्न टाइम से उसका कनेक्शन बताया जाएगा। रालिया के वेडिंग के बाद से तो फिल्म का इंतजार फैंस को बड़े ही बेसब्री से हो रहा है। नेक्स्ट इज द इमॉर्टल अश्वत्थामा। इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखेंगे विक्की कौशल, जो अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे। ये फिल्म महाभारत के एक योद्धा से इंस्पायर हुई है। इस फिल्म में विक्की कौशल को साथ मिलेगा सारा अली खान का, और मूवी अमेजोन प्राइम में रिलीज की जाएगी। आने वाले वक्त में माइथोलॉजी से जुड़े कुछ फिल्म हमें देखने मिलेगी, तो दर्शकों अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और चले एक माइथोलॉजी और फिल्म के अलग ही सफर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का शिवलिंग चुरा ली। खास चीजें बोली प्रोड्यूसर ने, क्या ये फिल्में लाएगी लोगों को थिएटर्स में? आजकल ऐसी फिल्में बन रही है जहाँ पर लोगों का माइंडसेट काफी मैटर करता है, क्योंकि आजकल लोग इधर जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं या तो बहुत खुश।
अब वो सब डिपेंड करता है कि किस मुद्दे पर फिल्म बन रही है और कैसे बताया जाएगा उनको। अब उस पर सब चीजें मैटर करती है, जैसे कि डायलॉग्स, कैसा पिक्चराइजेशन होगा और भी बहुत कुछ। और वैसे भी अभी की सभी मूवीज माइथोलॉजिकल जॉनर में ज्यादा बन रही है, यानी कि कोई कोई एकदम टिपिकल होती है और कोई कोई मॉडर्न टच के साथ होती है। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये फिल्म आने वाली है दिवाली पर, जो रामायण से रिलेटेड होगी। और तो इसमें ऐसी कुछ हिस्टोरिकल जगह प्रस्तुत करेंगे कि सभी के होश उड़ जाएंगे। बहुत सी खूबसूरत लोकेशंस और बहुत सारा नॉलेज एकदम अपडेट होने वाला है, वो भी आजकल के लोगों के लिए। अब इसमें जैकलिन और अक्षय निभाएंगे एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल, तो वही सब चीजें एक्सप्लोर करते हुए दिखेंगे। अब बिग क्वेश्चन और एलिमेंट इस फिल्म का ये है कि क्या ये राम सेतु ब्रिज मिथ है या फिर रियलिटी है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिल्म से रिलेटेड ऐसा तो यही सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चला है और ना ही कोई इतना बता रहा है, पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा ने थोड़े बहुत डिटेल्स तो दिए ही है, जैसे कि ये एक जबरदस्त एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है जो फुल ऑन लोडेड रहेगी विद हाई बजट एंड जबरदस्त वीएफएक्स। उनका मानना है कि ये फिल्म ऐसी होने वाली है जो इंडियन फिल्म वैल्यूज और तो लोगों के माइंडसेट को काफी अटैच कर देगी, यानी कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड बैलेंस बताया जाएगा जो आजकल की फिल्मों में खास जरूरी है। अब इस फिल्म में फीमेल लीड होगी जैकलिन फर्नांडिस एंड निशित बरूचा, जिनके कैरेक्टर्स के बारे में इतना कुछ दिखाया नहीं है और ना ही कुछ बताएंगे, शायद कोई ट्विस्ट हो, बट आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्रोड्यूसर का कहना है कि ये टाइप की फिल्म लोगों को थिएटर्स में आने के लिए तरसा देगी, क्योंकि ये फिल्म एक बिग स्क्रीन फिल्म है। प्रोड्यूसर का कहना है कि ये टाइप की फिल्म लोगों को थिएटर्स में आने के लिए तरसा देगी और वैसे भी ये फिल्म एक बिग स्क्रीन फिल्म होने वाली है। ये फिल्म का प्लॉट एंड ऑल भी आपस में इतना ही अपीलिंग है और ये दावा है मेकर्स का। तब देखते हैं क्या होगा और कितना अपीलिंग होगा। अब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। राम सेतु में नुसरत और जैकलिन दो लीड एक्ट्रेसेस। क्या राम सेतु मूवी श्रीलंका में शूट हो गई है? क्या ये मूवी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन का बीच का ब्रिज है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। राम सेतु एक एक्शन और ड्रामा जॉनर मूवी है जो आप लोगों को थिएटर्स में जल्द से जल्द दिखाई देगी। जैसे राम सेतु मूवी की रिलीज डेट 25 अक्टूबर बताई गई है। राम सेतु में लीड कैरेक्टर में अक्षय कुमार हैं और दो लीड एक्ट्रेसेस जैसे नुसरत बरूचा और जैकलिन फर्नांडिस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने, जो कॉमेडी सीरीज तेरे बिन लादेन, परमाणु जैसे कई मूवीज की डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये मूवी अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा ने प्रोड्यूस की है अंडर अबंटेंटिया एंटरटेनमेंट। ये मूवी दमन में शूट की गई और क्योंकि पूरा यूनिट श्रीलंका नहीं जा पाया बिकॉज ऑल ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स, और यूनिट गुजरात भी जाने वाली थी एक शेड्यूल के लिए, पर पेंडेमिक की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। एज उनको बहुत एक्शन सीन्स भी शूट करने थे जिसमें बहुत ट्रेनर्स गाइड लगते। ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा है जो इंडियन कल्चर पर और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। फिल्म का टाइटल हिंदू भगवान राम जो ब्रिज बनाता है सीता को बचाने के लिए समंदर के अपार इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसी बेसिस पर बनाया गया है। राम सेतु की स्टोरी ऐसी है जो हम सबको इंस्पायर करती है और स्ट्रेंथ, प्यार, ब्रेवरी और इंडियन वैल्यू दर्शाती है, जिससे हमारी महान देश के प्रति नैतिकता दर्शाती है। ये मूवी राम सेतु ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के बीच का ब्रिज है। राम सेतु ये मूवी फैक्ट्स, साइंस और हिस्टोरिकल हेरिटेज के ऊपर बेस्ड है। ये मूवी एक एथियस्ट, मतलब जो भगवान को नहीं मानते या गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते,
और आर्कियोलॉजिस्ट जो मटेरियल रिमेन्स के जरिए आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, माउंटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, वही इंसान बाद में बिलीवर बन जाते हैं अगेंस्ट टाइम राम सेतु का लेजेंडरी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए, वो भी लोगों के नज़ारे इंडिया की विरासत पे पिलर डिस्ट्रॉय करने से पहले। मूवी का पोस्टर में यही दर्शाया गया है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट ये चेक कर रहा है कि राम सेतु ब्रिज मिथ है या रियलिटी। हमें इंडियन माइथोलॉजी यही बताती है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड राम के आर्मी की वजह से बनी है। राम सेतु ब्रिज को एडम्स ब्रिज और नाला सेतु भी कहा जाता है। ये नाम इस्लामिक टेस्ट से डेरिव किया गया है, जिससे हमें श्रीलंका के एडम्स पीक का प्रेजेंस फील होता है। उससे नाला सेतु भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्होंने ये ब्रिज बनाया उस आर्किटेक्ट का नाम नाला था इन रामायणा। ये 48 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, जो एक मैनमेड ब्रिज है और वो अभी भी विजिबल है। अब हमें इंतजार रहेगा इस फिल्म का और इसके पीछे की स्टोरी और ऐतिहासिक विरासत और इंडियन कल्चर कैसे दर्शाता है ये देखने का। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए। सच और साइंस का कॉम्बिनेशन। किस दिन होगा फिल्म का पर्दे पर स्वागत? कौन सा तेलुगु स्टार लेगा बॉलीवुड में एंट्री? क्या फिल्म में दिखेगा साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन? अक्षय कुमार की कई नई फिल्में हमें बॉक्स ऑफिस पर इस साल देखने को मिलेगी और उनमें से एक होगी राम सेतु। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रही है। फिल्म में हमें अक्षय साइंटिस्ट की भूमिका में दिखाई देंगे। बात करें फिल्म की रिलीज की तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फिल्म भगवान राम से जुड़ी है और फिल्म का शुभ आरंभ भी हमें उन्हीं के त्योहार यानी दिवाली पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, फिल्म हमें इसी साल दिवाली के पावन अवसर पर पर्दे पर दिखाई देगा। फिल्म में हमें अक्षय के साथ दो और बॉलीवुड हीरोइन दिखेंगी और एक नए कलाकार हमको देखने मिलेंगे जो फिल्म राम सेतु से ही अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ तेलुगु के जाने माने कलाकार सत्यदेव, जिन्होंने इससे पहले उमा महेश्वरा, उग्र रूपस्य और ब्लफ मास्टर में अपनी एक्टिंग से सबको अपना जलवा दिखाया। फिल्म में उनका होना एक सरप्राइज रखा गया। तभी तो जब भी किसी इंटरव्यू में उनसे ये सवाल करा जाता कि वो फिल्म में है या नहीं, तो अक्सर वो बिना जवाब दिए निकल जाते हैं। पर अब तो फिल्म का पोस्टर भी बाहर आ चुका है, जिससे अब साफ हो गया है कि फिल्म में सत्यदेव हमें दिखाई देंगे। वैसे भी क्लब हाउस इंटरेक्शन के समय सत्यदेव ने यह खुलासा काफी हद तक कर दिया था कि वो फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बॉलीवुड में आजकल हमें कई एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जहां मेकर्स अब इंडस्ट्री के हिस्ट्री के अंदर साइंस मिलाते हुए दिख रहे हैं और आने वाली फिल्म राम सेतु भी हमें ये आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जहां अक्षय कुमार राम सेतु जो ब्रिज लॉर्ड राम ने बनाया था उसके पत्थर पर रिसर्च करते दिखेंगे और फिल्म में दिखाएंगे सच के साथ साइंस का भी मिश्रण। ऐसे में फिल्म का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लोग फिल्म को लेकर एक्साइटेड भी बहुत थे। फिल्म में अक्षय का लुक हो या टाइटल, सब लोगों को काफी पसंद आया। ऊपर से फिल्म माइथोलॉजिकल रेफरेंस पर है, वो भी लॉर्ड राम से रिलेटेड। इसी वजह से फिल्म का मुहूर्त भी हमें अयोध्या से यानी राम जन्मभूमि से ही देखने को मिला। अब जिस फिल्म की शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो फिल्म में हमें और इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में हमें अक्षय देखेंगे लॉर्ड राम की छवि में? कमेंट्स में हमें बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आप से भाग सकता है।
अभी किस्मत से दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्यों आई अक्षय के बाद नुसरत विवादों में? कैसे दिया नुसरत ने सबको मुंह तोड़ जवाब? कब देखने मिलेगा राम सेतु का ट्रेलर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म राम सेतु से विवाद खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं, कभी फिल्म के पोस्टर पर विवाद तो कभी फिल्म के एक्टर्स पर। अभी थोड़े ही दिन पहले हमें फिल्म के मेन लीड अक्षय कुमार ट्रोल होते दिखे, तो अब बीते दिन हमें फिल्म की एक और स्टारकास्ट ट्रोल होती नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिन 6 मई को हमें YouTube पर नुसरत भरूचा की आने वाली फिल्म जनहित में जारी का ट्रेलर देखने को मिला, जिसमें वो एक कॉन्डोम बेचती और लोगों को उसके प्रति जागरूक करती दिखी। बस ये चीज देखते ही लोगों ने उन्हें जम के ट्रोल करा कि आखिर अब ये दिन आ गए कि उन्हें ऐसे रोल करने पड़ रहे हैं, और वगैरह वगैरह की बातें भी हमें सोशल मीडिया पर दिखाई दी। पर कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी नजर आए। मुझे पर्सनली फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया। फिल्म में हमें एक सोशल मुद्दा काफी एंटरटेनिंग तरीके से देखने को मिला, और फिल्म के कुछ डायलॉग्स भी बड़े जानदार थे, जैसे ड्रग्स करने में शर्म नहीं है तो कॉन्डोम खरीदने में क्यों, और लड़की छेड़ने में शर्म नहीं है तो कॉन्डोम खरीदने में कैसी शर्म, जो ट्रेलर में देखने के बाद ही अच्छा लगा। ट्रेलर में हमें कई जगह फनी सीन्स भी देखने को मिले तो कई जगह हमें इमोशनल सीन्स भी देखने को मिले। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी अच्छा रहा, पर समझ के वो चार लोग जिनसे शर्म करके लोग कॉन्डोम लेने में शर्माते हैं पर बच्चा करने में नहीं, वो आ गए फिल्म के बारे में उल्टा बोलने और फिल्म को क्रिटिक्स करने पर। इस बात पर नुसरत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने ट्रेलर पर और उन पर उठे कमेंट्स को शेयर करा, और दो लाइन के जवाब में सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने लिखा, बस यही सोच तो बदलनी है, कोई बात नहीं, आप उंगली उठाओ, मैं आवाज उठाऊंगी। जिसको देख के उनके फैंस और फिल्म के सपोर्टर काफी खुश हुए। ऐसे में उनका ये धाकड़ अंदाज उनकी फिल्म से ही मिलता जुलता दिख रहा है, जिसके बाद उनकी ये फिल्म और आने वाली फिल्म देखना और भी मजेदार हो सकता है। ये तो हुई नुसरत की आने वाली फिल्म के बारे में बात, पर उनकी और अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का आखिर क्या? वैसे बता दें कि नुसरत अकेली नहीं जिनकी फिल्म का ट्रेलर हमें देखने को मिला। अभी कल ही हमें अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर भी देखने को मिला, जिसमें वो अपना खिलाड़ीपना दिखाते नजर आए। ऐसे में बात करें राम सेतु की, तो फिलहाल फिल्म को लेके हमें कोई भी खबर देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों ही कलाकारों की फिल्म का ट्रेलर अभी YouTube पर दौड़ रहा है। ऐसे में राम सेतु को लेके कोई भी खबर या फिल्म का ट्रेलर हमें इन दोनों फिल्म की रिलीज के बाद ही देखने को मिल सकता है। वैसे भी फिल्म हमें 22 अक्टूबर को पर्दे पर देखने को मिलेगी, जिसका मतलब अभी पूरे 5 महीने हैं फिल्म को आने में। ऐसे में ट्रेलर की बात करें तो फिल्म का ट्रेलर हमें सितंबर से पहले तो नहीं देखने को मिलने वाला, पर फिल्म के पोस्टर और टीजर जरूर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकते हैं, जो फिल्म के दर्शकों को फिल्म के प्रति उत्सुक बनाए रखने में काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नुसरत का यही धाकड़ अंदाज देखने को मिलेगा उनकी आने वाली फिल्म राम सेतु में भी? कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्या लग रहा है फिल्म के पोस्टर को देखकर? क्या कोई गेम जैसी होगी फिल्म? आजकल बहुत सी हिंदी मूवीज में हॉलीवुड के कई सारे स्टंट्स या सीन्स को डाला जा रहा है, जो लोगों को देखने में बड़ा मजा भी आता है। अब वही कभी कभार हिंदी सीन्स में शायद ही ठीक लगते हैं देखने में। वैसे ही मूवीज में भी रिसेंट में रिलीज हुई फिल्म में
और आने वाली कुछ फिल्मों में कॉमन सीन्स डाले गए हैं और ऐसा हॉलीवुड लुक दिया गया है जिससे लोगों को एक्साइटमेंट हो कि कौन सा सीन होगा, कैसा होगा और कैसे रिक्रिएट किया गया है। तो दोस्तों, बॉलीगा स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसे कि अक्षय कुमार की राम सेतु फिल्म आ रही है जो दिवाली पर रिलीज होगी और वो फिल्म है एक माइथोलॉजी से रिलेटेड जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत बरुचा भी लीड रोल में दिखाई देंगे। अब नुसरत या जैकलिन दोनों में से कोई तो एक लव एंगल निभाएगा ही अक्षय के साथ, बट अभी तक कंफर्म नहीं है जबकि फिल्म की शूटिंग भी खत्म हो चुकी है सिवाय एक फाइनल टच के। अब हाल ही में ये फिल्म का पोस्टर लॉन्च तो हुआ है जिससे अक्षय की काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है कि एक हाथ में टॉर्च है तो दूसरे हाथ में फ्लेमिंग लाइट पकड़ने की क्या जरूरत थी। अब ऑलमोस्ट पूरी मूवी ही मीम का भागीदार बन चुकी है इस पोस्टर पर से। तो आप लोगों ने क्या इसके अलावा कुछ और नोटिस किया है इस पोस्टर में? हमने तो ये चीज नोटिस की है कि कैसे हॉलीवुड की एक मूवी और ये मूवी का पोस्टर सिमिलर है और मीम ने दिखाया भी है कि ये तीन एक्टर्स किसी चीज के हंट पर है जिसको डीप सर्च करके दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और तो पीछे वॉल पे कार्विंग्स भी अलग टाइप की है। तो ये तो पक्का है कि रामायण से रिलेटेड ही कुछ है बट मॉडर्न टच में दिखाया जाएगा इसमें और वो हॉलीवुड मूवी का नाम है जुमांजी जिसके पोस्टर से सिमिलर है क्योंकि ड्रेसिंग भी कुछ ज्यादा सिमिलर है और फिर सब खोज भी कर रहे हैं और एक्शन की तो क्या ही बात करें, भरपूर होने वाला है एक्शन इस फिल्म में। अब जुमांजी के जैसे गेम वाली फिल्म होना मुश्किल नजर आ रही है बिकॉज ये हिस्टोरिकल हेरिटेज और प्योरली इंडियन कल्चर पर डिपेंड करती है। बट क्या मेकर्स थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स करके इसको गेम के फॉर्मेट में दिखाएंगे? अगर दिखाएंगे तो बहुत खूबसूरत और मजेदार हो जाएगी फिल्म। अब हॉलीवुड फील से होता अच्छा धमाका क्योंकि लोगों को वही सब देखने में मजा आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और क्या लगता है आपको, अगर गेम वाली फिल्म होती तो सूट करती? लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए। इतने सारे फिल्में एक साथ करने का क्या रीजन है? क्या इतने ट्रोलिंग के बाद भी नहीं माने हार? बॉलीवुड के वेरी फेमस खिलाड़ी अक्षय कुमार छाए हुए हैं काफी सालों से, जिसको इस इंडस्ट्री में हुए हैं तकरीबन 30 साल और आज तक उनका हार्ड वर्क लव बहुत ज्यादा काम आया है। बट अब वो थोड़े से बैकलॉग में जा रहे हैं उनकी रीसेंट रिलीज की परफॉर्मेंस को लेकर, बट स्टिल उनकी कई सारी मूवीज ऑन द वे है और सभी फिल्मों की चॉइस एक से एक है उनकी, जैसे कि दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म राम सेतु और दूसरी तरफ एक हिस्टोरिकल जॉनर वाली फिल्म पृथ्वीराज। तो देखते हैं क्या कमाल दिखाएंगे इस बार वो। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि हमने बोला, राम सेतु आ रही है और साथ ही साथ ट्रोलिंग भी हो रही है और वो ट्रोलिंग इनकी पिछली पूरी की पूरी फिल्म और ये फिल्म के पोस्टर को लेकर हुई है। और बता दें, इसमें होंगे अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत बरुचा और ये फिल्म होने वाली है एक हिस्टोरिकल फिल्म बट मॉडर्न टच के साथ बताया जाएगा और इसमें जैकलिन और अक्षय निभाएंगे आर्कोलॉजिस्ट और नुसरत होगी इसमें अक्षय की लवर। अब ये बात का सभी को अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा, बट क्या लगता है आपको ये फिल्म हिट जा पाएगी? इतने ट्रोलिंग के बाद भी आज तक अक्षय ने हार नहीं मानी है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि कुछ फिल्में फ्लॉप करके कुछ चीजें सीखने को मिलती है और वैसे भी सक्सेस इजीली मिलने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी ही उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही है, बीच में भी उन्होंने 3-4 मूवी ऐसी की थी जो बहुत फ्लॉप गई थी। बट इनका एक बात अच्छा है कि कितनी भी फिल्में फ्लॉप गई हो वो उसके बाद फिर भी हर दूसरी मूवीज में जरूर नजर आएंगे और उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी है जैसे कि हाउसफुल के स्टार्टिंग के बाद, सूर्यवंशी, कई सारे रियल बेस्ड फिल्म जैसे एयरलिफ्ट, बेबी और भी बहुत सारे। अब अक्षय जी हर टाइप की फिल्में करना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फिल्म बिजनेस के लिए तो करते ही है बट साथ ही साथ वो फन एंड एक सोशल मैसेज देने वाली फिल्में भी करते हैं।
अब वो फ्लॉप चली जाती है तो उनका कोई कसूर नहीं है, बिकॉज ऑडियंस को भी हर टाइप की फिल्में देखना नहीं पसंद है। अब ये श्योर है कि ऑडियंस को राम सेतु जैसी फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, काफी नॉलेजेबल फिल्म होने वाली है ये। तो देखते हैं अक्षय का बैड फेस खत्म होगा या चलता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तो उसके लिए देखते रहिएगा बॉलीवुड स्टूडियोज। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का क्या मलंग जैसा अंडरवाटर सीन होगा इस फिल्म में? खुद निभाएंगे अक्षय अंडरवाटर स्टंट? इस बॉलीवुड के खिलाड़ी स्टार अक्षय कुमार को तो देखा ही है कि कैसे वो उनके अधिकतर स्टंट्स खुद निभाते हैं और ऑलमोस्ट हर फिल्म में, बट उनके भी स्टंट डबल है ही। बट अब उनके इस पॉपुलरिटी को देखकर लगता है कि कैसे सभी स्टंट्स वो खुद करते हैं, जबकि कोई कोई स्टंट्स उनके स्टंट डबल भी करते हुए नजर आते हैं। अब कई एक्शन फिल्मों के बाद वो लौट रहे हैं एक यूनिक जॉनर वाली फिल्म में, जो एक्शन से भरपूर है और साथ ही माइथोलॉजिकल जॉनर भी है। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोटारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये फिल्म राम सेतु है रामायण के ऊपर और इसमें वो एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल निभाते हुए दिखेंगे, जो एक अच्छे बड़े रिसर्च वर्कर होते हैं, जिसमें वो कई ऐसी जगह का खुलासा करते हैं जो कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है। और तो बता दे, इस फिल्म को देखकर अपने पुराने बिलीफ्स और कल्चर जाग उठेंगे। तो एक तरफ से ये फिल्म काफी नॉलेजेबल बनने वाली है और इससे लोगों को काफी अच्छा पता चलेगा। अब जाकिर और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं इस फिल्म में। लव एंगल हो गया, प्लॉट लाइन हो गया, तो बचा क्या? एक्शन तो क्या लगता है किस टाइप का एक्शन करते हुए दिखाई देंगे इसमें स्टार्स? अभी कन्फर्म है कि फीमेल लीड एक्शन करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि एक होगी आर्कियोलॉजिस्ट तो दूसरी होगी अक्षय की लवर, जो फिलहाल तक काफी सिंपल दिखाई दी है। बट इस बार अक्षय निभाएंगे जबरदस्त स्टंट। बता दे, कार हवा सब हो गया है, बट इस बार होगा अंडरवाटर स्टंट। अब अंडरवाटर स्टंट करना आसान नामक चीज नहीं है, जैसे मलंग फिल्म में भी अंडरवाटर सीन था जो खुद किया है लीड एक्टर्स ने। तो सोचे वो एक रोमांस सीन है और ये एक एक्शन सीन, तो कैसे किया होगा एक्टिंग और कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में, तब ये तो हमें फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलने वाला है। बट हाँ, ये तो पक्का दिख ही रहा है कि कोई आसान चीज नहीं होगी ये। स्टंट तो ऑलमोस्ट सभी वही करते हैं, बट शायद हमें उनके स्टंट डबल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्टंट करना इजी चीज नहीं है। तो क्या मलंग से बेटर या मलंग ही बेस्ट है सीन के लिए? तब इसके साथ भी कई अनेक स्टंट्स होंगे जो हटके ही होने वाले हैं। तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, अंडरवाटर स्टंट अक्षय खुद करेंगे या उनके स्टंट डबल करेंगे? लाइक करेगा हमारे इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे इतनी अपडेट के साथ। थैंक यू। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्या कहना है अक्षय का फिल्म पर से? बाकी सब कास्ट क्यों एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए? अक्षय कुमार यानी कि जो खिलाड़ी एक्टर के नाम से जाने जाते हैं,
अब उनकी फेमस फिल्म सूर्यवंशी, हाउसफुल और कई सारी रियल बेस्ड फिल्में करके अब आने वाले एक माइथोलॉजिकल जॉनर वाली फिल्म में, जिसका नाम है राम सेतु, जो हमें दिखाई देगी इसी साल दिवाली पर। अब शूटिंग भी खत्म हो चुकी है और सिर्फ फाइनल टच बचा है, पर अब इसको रिलीज करने के पहले से ही बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ रहा है सभी को, तो देखते हैं आगे क्या क्या होगा इस फिल्म के रिलेटेड। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसे कि पता है, इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ नुसरत बरुचा और जैकलिन फर्नांडिस भी लीड में दिखाई देने वाले हैं। अब यूनिक से हमारा मतलब है कि इसमें मॉडर्न टच दिया जाने वाला है, और माइथोलॉजी से हमारा मतलब है कि एपिक रामायण से रिलेटेड सभी हेरिटेज जगहों को दिखाएंगे और ऐसे वे में बताएंगे इन सब जगहों को जिसमें अक्षय और जैकलिन साइंटिफिक रिसर्च वर्क करते हुए दिखेंगे एंड हमें आइडिया देंगे कि क्या क्या अनोखा है इस हिस्टोरिकल प्लेसेस में। अब रिलीज भी परफेक्ट डे पर हो रही है, जिस दिन राम भगवान का वनवास से आने का जश्न मनाया गया था। अब ये सब सुनने में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट क्या ये मूवी लव और हेट दोनों हैंडल कर पाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी तो अभी से होना शुरू हो गई और आगे भी होगी। मैं सभी एक्टर्स अच्छे से हैंडल करेंगे और उनके फैंस को पता है। अब सभी कास्ट का एक्सपीरियंस और खासकर तीनों लीड एक्टर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। उनका कहना है कि इस फिल्म से उनको दुनिया और ब्यूटीफुल हिस्ट्री के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिला है, जो शायद उन्हें कभी पता ही ना, क्योंकि ऐसी टाइप की मूवीज बनने के पहले कई सारी रिसर्च की जाती है। तब एनी रीजन के कारण सभी के लिए ये फिल्म तो इम्पोर्टेंट है ही, और सबका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि फिर से स्कूल दिनों में आ गए हैं सीखते सीखते। ये मूवी से सभी को बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला है, क्योंकि ब्रेव एनी एपिक लव स्टोरी ओल्ड इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर के बारे में जानने मिला है, और पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन का एक ब्रिज बना हुआ है। अब सुनने में लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग, तो देखते हैं मूवी के रिलीज होने पर सेम इंटरेस्ट बना रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताएं, ये भी बताएं कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे इतनी अपडेट्स के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। कैसी रही है उनकी पिछली फिल्में? क्या भारी असर पड़ने वाला है आने वाली फिल्मों पर? जैसे कि आजकल कितने स्टार्स के कारण बाकी सब साइड एक्टर्स की भी बहुत ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अब सपोर्टिंग एक्टर्स काम करेंगे लीड सेलिब्रिटीज के साथ एंड उन्हीं का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो ब्लेम सब पर जाता है और उन पर नहीं जाता है जिनकी एक्टिंग खराब हो। वैसे ही सब चीजें हम काफी टाइम से देखते हुए आए हैं और आगे भी देखेंगे ही, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ही है ऐसी कुछ। और ऐसे ही कुछ चक्कर में फंसे हैं अक्षय कुमार। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और भी बहुत हमें सेम फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, जो एक कल्चरल फिल्म होने वाली है, वो भी एपिक रामायण पर, और रामायण के फैंस हर जगह भरे पड़े हैं। बट बता दे, इसमें सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक मॉडर्न टच दिया गया है जहां अक्षय कुमार एंड जैकलिन फर्नांडिस हिस्टोरिकल साइट्स फाइंड आउट करके बहुत सी चीजें बताएंगे, यानी कि इस फिल्म से बहुत से लोगों को अच्छा नॉलेज भी मिलने वाला है। और ये फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल दिवाली पर। अब राम सेतु और रक्षाबंधन फिल्म के पहले अक्षय हमें दिखे थे कुछ ऐसी फिल्में जो साउथ की फिल्म का रिमेक है, बट लोगों को वो फिल्म देखकर बिल्कुल मजा नहीं आया है। मजा तो छोड़िए, बिल्कुल ट्रोलिंग होते नजर आई है, और उस फिल्म का नाम है बच्चन पांडे, जिसमें सब एक से एक स्टार्स थे। फिर अक्षय की ओवर एक्टिंग के कारण सभी पे ब्लेम दिया गया है कि ऐसी फिल्म में कोई पार्ट भी कैसे ले सकता है। फिर देखा जाए तो फिल्म में कुछ भी एलिमेंट्स डालकर लोगों के सामने रखी गई थी। अब इम्प्रेस कितना करते हैं आने वाली फिल्मों में, उस पे ही डिपेंड करने वाला है कि वो हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी। अब इन्हीं सब रीजन के कारण अक्षय की आने वाली फिल्में अभी से ट्रोल होते नजर आ रही है, जैसे कि राम सेतु ही देख ले, और थोड़ी बहुत ट्रोल होने के लायक भी है पोस्टर के कारण। अब इसमें है जैकलिन, जो बच्चन पांडे में भी थी, तो देखते हैं दोनों के पास ये आखिरी मौका है
तो कैसे यूटिलाइज करते हैं वो देखा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्या लग रहा है फिल्म के पोस्टर को देखकर? क्या कोई गेम जैसी होगी फिल्म? आजकल बहुत सी हिंदी मूवीज में हॉलीवुड के कई सारे स्टंट्स या सीन्स को डाला जा रहा है जो लोगों को देखने में बड़ा मजा भी आता है। अब वही कभी कभार हिंदी सीन्स में शायद ही ठीक लगते हैं देखने में। वैसे ही मूवीज में भी रिसेंट में रिलीज हुई फिल्में और आने वाली कुछ फिल्मों में कॉमन सीन्स डाले गए हैं और ऐसा हॉलीवुड लुक दिया गया है जिससे लोगों को एक्साइटमेंट हो कि कौन सा सीन होगा, कैसा होगा और कैसे रिक्रिएट किया गया है। तो दोस्तों बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसे कि अक्षय कुमार की राम सेतु फिल्म आ रही है जो दिवाली पर रिलीज होगी और वो फिल्म है एक माइथोलॉजी से रिलेटेड जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत बरुचा भी लीड रोल में दिखाई देंगे। अब नुसरत या जैकलिन दोनों में से कोई तो एक लव एंगल निभाएगा ही अक्षय के साथ, बट अभी तक कन्फर्म नहीं है जबकि फिल्म की शूटिंग भी खत्म हो चुकी है सिवाय एक फाइनल टच के। अब हाल ही में ही फिल्म का पोस्टर लॉन्च तो हुआ है जिससे अक्षय की काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है कि एक हाथ में टॉर्च है तो दूसरे हाथ में फ्लेमिंग लाइट पकड़ने की क्या जरूरत थी। अब ऑलमोस्ट पूरी मूवी ही मीम का भागीदार बन चुकी है इस पोस्टर पर से। तो आप लोगों ने क्या इसके अलावा कुछ और नोटिस किया है इस पोस्टर में? हमने तो ये चीज नोटिस की है कि कैसे हॉलीवुड की एक मूवी और ये मूवी का पोस्टर सिमिलर है और मेनली दिखाया भी है कि ये तीन एक्टर्स किसी चीज के हंट पर है जिसको डीप सर्च करके दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और तो पीछे वॉल पे कार्विंग्स भी अलग टाइप की है। तो ये तो पक्का है कि रोमांस रिलेटेड ही कुछ है बट मॉडर्न टच में दिखाया जाएगा इसमें और वो हॉलीवुड मूवी का नाम है जुमांजी जिसके पोस्टर से सिमिलर है क्योंकि ड्रेसिंग भी कुछ ज्यादा सिमिलर है और फिर सब खोज भी कर रहे हैं और एक्शन की तो क्या ही बात करें, भरपूर होने वाला है एक्शन इस फिल्म में। अब जुमांजी के जैसे गेम वाली फिल्म होना मुश्किल नजर आ रही है बिकॉज ये हिस्टोरिकल हेरिटेज और प्योरली इंडियन कल्चर पर डिपेंड करती है, बट क्या मेकर्स थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स करके इसको गेम के फॉर्मेट में दिखाएंगे? अगर दिखाएंगे तो बहुत खूबसूरत और मजेदार हो जाएगी फिल्म। अब हॉलीवुड फील से होता अच्छा धमाका क्योंकि लोगों को वही सब देखने में मजा आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए और क्या लगता है आपको अगर गेम वाली फिल्म होती तो सूट करती? लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। आ गए केआर के मैदान में। केआरके ने कहा अक्षय को बेवकूफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ केआरके ने उड़ाया अक्षय का मजाक। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर को
अक्षय कुमार ने शेयर करते हुए घोषणा की है। पोस्टर में उनके साथ उनके को स्टार सत्यदेव और जैकलीन फर्नांडिस भी हैं। अक्षय कुमार के फिल्म का पोस्टर इन दिनों चर्चा में है। पोस्टर में दिख रहा है कि अक्षय मशाल के लिए ऊपर देख रहे हैं, उनके साथ जैकलीन टॉर्च के लिए नीचे देखती हुई नजर आ रही हैं। इस पोस्टर में कुछ ही देर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और सब ने इस पे अलग अलग रिएक्शन दिया है। ऐसे में इंडस्ट्री की हर फिल्म पर अपने क्रिटिसिज्म का बात चलाने वाले केआरके साहब, जो केजीएफ 2 हो या राधे, हर किसी फिल्म में घुस कर उसका रिव्यू देने लग जाते हैं। अक्षय के इस पोस्टर को भी शेयर करते हुए लिखा कि अगर उसके पास टॉर्च है तो वो देखने के लिए मशाल क्यों जला रहे हैं। ये एक मजाक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता कितने बड़े बेवकूफ हैं। और उनके इस कमेंट के बाद तो बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर मीम की बहार आ गई। पोस्टर में दिख रहा है कि अक्षय मशाल लेकर तहखाने के ऊपर देख रहे हैं, जबकि जैकलीन ने टॉर्च को नीचे की तरफ दिखाते हुए रोशनी की है। इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, जब आपके घर में बिजली नहीं है लेकिन आपके पड़ोसियों के घर में रोशनी है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, क्या मशाल सिर्फ दिखावे के लिए है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यही फिल्म है बॉलीवुड फिल्मों में और साउथ की फिल्मों में। वैसे बात तो सही है, जब से साउथ के फिल्मों का क्रेज जनता के सर चढ़ बोल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि 83 जर्सी जैसी फिल्मों के बाद अक्षय को अपनी राम सेतु को भी बचा के ही रखना पड़ेगा। बता दें कि अक्षय कुमार की ये फिल्म भगवान राम पर बनी है और सिनेमा घरों में रिलीज के बाद फिल्म Amazon Prime Video पर भी स्ट्रीम होगी। इस फिल्म में अक्षय और जैकलीन फर्नांडिस के अलावा नुसरत बारूचा भी नजर आने वाली हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अरुणा भाटिया, चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, विक्रम मल्होत्रा और तुषार सूद, सब एक साथ मिलकर। अब फिल्म के पोस्टर पर जनता का ऐसा रिएक्शन देखकर अब इसी बात का सवाल है और यही सवाल सबके दिलों में गूंज रहा होगा कि क्या फिल्म को जनता पसंद करेगी या नहीं। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा, फिर मिलूंगी एक ऐसी ही नई और चटपटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और बॉलीग्राड स्टूडियोज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहिए। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्या थी नुसरत के नर्वसनेस की वजह, कौन से एंगल से होगी ऑडियंस इंप्रेस, रावण से ही राम सेतु होगी पूरी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। राम की कहानी हो और उसमें रावण ना हो तो वो पूरी कैसे मानी जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने दिखाया है मूवी में रावण का कैरेक्टर, लेकिन एकदम मॉडर्न अंदाज में। दरअसल अपडेट्स के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में कलयुग के रावण यानी कलयुग की कालिक को दिखाया गया है, राजनीति, भ्रष्टाचार और घूस के फॉर्म में। लोगों का यहां तक कि मानना है कि अभिषेक का मूवी पर ये टेक कहीं ना कहीं मूवी को लेकर कर सकता है हिट, अगर एक सही शेप में दिखाया गया होगा तो। इस एंगल को अगर एक्टर और मेकर्स ने ध्यान से शेप दिया होगा तो हर एक आम आदमी मूवी देखते वक्त कलयुग की कालिक से रिलेट कर पाएगा। और जहां तक बात रही मूवी की, तो खबरों के अकॉर्डिंग ऐसी पॉसिबिलिटी है कि राम सेतु के क्रूशियल टॉपिक को पॉलिटिकल टॉपिक बनाने की किसी चाल या तरीके को किया जा सकता है पोर्ट्रे, एंड मे बी दिखाया जाए कि कैसे एक रिलीजियस टॉपिक को किया जा सकता है मैनिपुलेट। कवर करने के लिए डायरेक्टर के पास इस टॉपिक में है काफी पॉइंट्स, अब बस देखना यह है कि कैसे और क्या रंग दिया है अभिषेक ने इस अपकमिंग मूवी को, जो कहीं ना कहीं मूवी को करेगा साकार। अब चलते चलते आपको बता दें कि मूवी में देखने वाली एक्ट्रेस नुसरत बरूचा का एक स्टेटमेंट, जिसके अकॉर्डिंग उनका ये कहना है
कि मूवी के पहले शॉट के दौरान वो काफी नर्वस थी, क्योंकि उनके साथ अक्षय भी थे और वो उसके सामने नर्वस हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ काम करके उनको रियलाइज हुआ कि अक्षय के साथ काम करना काफी इजी है, और फिर उनकी नर्वसनेस चली गई। तो आज की राम सेतु की अपडेट्स यही होती है समाप्त, लेकिन हम कल फिर आएंगे ऐसी मस्ती भरी अपडेट्स लेकर आपको एंटरटेन करने के लिए। पर तब तक के लिए आप आज का वीडियो देखिए और पसंद आने पर लाइक करिए और दोस्तों को भी जल्द से जल्द शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए। अंधेरे में जा रहा है मूवी का फ्यूचर, क्यों ऑडियंस को नहीं आ रहा है मजा? क्या अक्षय का जलवा पड़ रहा है फीका? क्या एक बार फिर करेगा कोरोना थिएटर्स बंद? 2019 का संकट एक बार आ रहा है वापस लोगों के जिंदगियों में दस्तक देने, लेकिन हमेशा की तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपना काम करती जा रही है और लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करती जा रही है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उन मेकर्स को लॉस भी करा सकती है जिनकी मूवीज अभी रिलीज होनी बाकी है। जैसे ही अक्षय की आने वाली मूवी राम सेतु, अब ये तो आपको पता ही होगा कि राम सेतु दिवाली के टाइम रिलीज होने वाली है, और जैसे कि हाल ही में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव होगा लंबा, जिसकी वजह हो सकती है फिर से लॉकडाउन। और इसका तो एक ही मतलब निकलता है और वो है सब कुछ बंद होना, ऑफिस से लेकर थिएटर्स का बंद होना, जो कि डायरेक्टर्स को करवा सकता है भारी नुकसान। हालांकि अगर बात की जाए अक्षय की तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि ऑडियंस को वैसे भी नहीं आ रहा है अक्षय की मूवीज में अब वो मजा। बच्चन पांडे का फ्लॉप और भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन का होना है इस बात का सबसे बड़ा सबूत। शायद अक्षय का मूवीज का सिलेक्शन या फिर उनकी ढलती एज ही इस बात का कारण, वरना जहां तक रही भूल भुलैया 2 की बात, अक्षय का ना होना है काफी बड़ा मुद्दा। इसके पीछे 5 के हिट होने के बाद हम सब ने भूल भुलैया हमेशा से मंजुलिका और अक्षय के बेंचमार्क से ही जाना है, और अब कार्तिक आर्यन का मूवी में कास्ट होना है अक्षय करियर पर एक क्वेश्चन मार्क। फिलहाल ये सब कहने की बात है, असली बात तो दिवाली आने पर ही पता चलेगी जब कंफर्म होगा कि मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और तब तक के लिए हमें करना होगा इंतजार। और इसी के साथ आज का बॉलीवुड स्टूडियोज का ये वीडियो यहीं करते हैं हम एंड, इसी उम्मीद से कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको देखने के बाद अब इसे दिल भर कर लाइक और शेयर करेंगे। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से नहीं। किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। क्या फिर से खुल जाएंगे रामायण पर जुड़े राज? क्या सच में राम सेतु आधी हकीकत आधा फसाना है? क्या परमिशन के बाद अयोध्या में हुआ था राम सेतु का शूट? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भारत एक ऐसा देश है जिसने करोड़ों साल से अपनी संस्कृति और धरोहर को संजोर कर रखा है, और इसी वजह से पॉलिटिक्स हो या फिर बॉलीवुड, कई फीचरों में भगवान पर वाद विवाद तो चलता ही रहता है, और जब बात एक धर्म से मिलती हो तो बॉलीवुड मूवी खासा अच्छा टॉपिक बन जाती है। तो चलिए बात करते हैं आखिर वो कौन सी फिल्म है जो कंट्रोवर्सी में लगभग गिरने की कगार पर है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राम सेतु का पोस्टर और ट्रेलर अक्टूबर 22 को दिवाली के टाइम रिलीज हो चुका था, जिसमें खिलाड़ी का अंदाज कुछ ज्यादा ही रोमांचक है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म की न्यूज पहले ही फैंस को दिवाली के गिफ्ट के तौर पर दे दी थी और अपने कैरेक्टर के अनोखे लुक्स को फैंस के बीच साझा भी कर दिया था।
वैसे तो पोस्टर और ट्रेलर में अक्षय कुमार का लुक अपने फिल्म के टाइटल से आपको काफी कंफ्यूजन में डाल सकता है। इस फिल्म के निर्माता अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा हैं और फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा ने लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को रखा है। जैसे कि बताया गया है कि ये ड्रामा फिल्म है, तो रामायण से जुड़ी एक मूवी राम सेतु की स्टोरी आखिर क्या होगी। ये फिल्म भगवान राम द्वारा बनाए गए राम सेतु पर आधारित है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा की फिल्म में खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार के लुक्स की भी चर्चा हो रही थी और जैसे अपने सीरियस किरदार के साथ उन्होंने अपने बाल काफी लंबे कर रखे हैं। जैकलिन फर्नांडिस इस बार अपने लुक के लिए काफी अलग लग रही हैं, तो यही माना गया है कि इस फिल्म के हर किरदार ने इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और फिल्म की शूटिंग भी असली जगहों पर ही हुई है, जैसे कि अयोध्या। खबरों से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुंबई पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए खासा परमिशन मांगी थी। अक्षय कुमार ने फिल्म अयोध्या में शूट करने के लिए परमिशन मांगी थी और उनकी उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ मीटिंग की फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिससे फिल्म सिटी के अलावा अक्षय कुमार ने राम सेतु की स्क्रिप्ट आदित्यनाथ योगी को भी दिखाई थी। परमिशन मिलने के बाद राम सेतु की शूटिंग चालू हो गई थी। हालांकि अभी तक इसकी शूटिंग आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है, पर फिल्म की कोई एग्जैक्ट डेट अभी सामने नहीं आई है और फिल्म की अपडेट से यही माना जा रहा है कि अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की रिलीज डेट दिवाली 2022 की रखी है। तो दोस्तों, अब आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा। क्या कहा नुसरत भरूचा ने अक्षय संग पहले शूट के बारे में, क्यों नहीं आज नुसरत को अपनी ही फिल्म में। इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक अक्षय कुमार की राम सेतु फिल्म, जो जल्दी ही इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें अक्षय एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल निभाते हुए दिखेंगे और उनका साथ देती दिखेगी नुसरत और जैकलिन फर्नांडिस। वैसे तो जैकलिन अक्षय संग काफी फिल्में कर चुकी है, जिसमें हाउसफुल 3, बच्चन पांडे, ब्रदर्स जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन बात करें अगर नुसरत की, तो ये पहली फिल्म होने वाली है उनके अक्षय के साथ। और अपने इसी एक्सपीरियंस को बताते हुए नुसरत से जब पूछा गया कि अपनी आने वाली तमाम फिल्मों में से आप सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है, तो नुसरत ने बताया कि वो सबसे ज्यादा राम सेतु फिल्म के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म है अक्षय के साथ। और जब उनके शूट का पहला दिन था तो वो काफी ज्यादा नर्वस थी कि वो सबके सामने कैसे डायलॉग्स बोलेगी, कहाँ देखेगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि सामने अक्षय कुमार जो खड़े होंगे। ये तो है कि अक्षय को देखकर सबकी सांसें रुक जाती है, फिर वो उनके स्टंट्स को देखकर रुके या खुद उन्हें देखकर। फिलहाल तो लग रहा है कि नुसरत की मेमोरी रुक गई है, क्योंकि हम सभी को पता है कि नुसरत की इस बार बैक टू बैक 5 से भी ज्यादा फिल्में आ रही है, जिसमें राम सेतु के अलावा सेल्फी, जनहित में जारी, हरदान जैसी फिल्में शामिल है। और अपनी शूटिंग को लेकर नुसरत ने कहा कि उनको याद ही नहीं है कि वो कितनी फिल्मों पर काम करके खत्म कर चुकी है और कितनी फिल्म बची है और कब वो फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन वो आशा करती है कि वो अपने किरदार के साथ जस्टिफाई करे पूरा। तो हम तो यही सलाह देंगे नुसरत को कि आप थोड़ा बादाम भी खाइए, क्योंकि अभी आप फिल्म भूल रही है, कल एक्टिंग भूलेगी तो क्या होगा नौजवानों का, जो आपको देखने के लिए बड़े पर्दे पर चले जाते हैं। राम सेतु को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक शर्मा और प्रोड्यूस कर रहे हैं अरुण भाटिया और विक्रम मल्होत्रा। तो देखते हैं अक्टूबर की कौन सी डेट को फिल्म अपना जलवा दिखाने के लिए एकदम तैयार होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बताते जाइए कि आपको क्या लगता है कैसी जाएगी ये फिल्म।